चलिए जी, वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। ओके, तो आज ही के दिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल AR ऑनलाइन एजुकेशन में। और मैं अजय सिंह राव आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और एकदम चटपटी सी चीज आज लेकर के आया हूँ। आपको पता है पिछले 15 वीडियोज हमने जो है वो कंटिन्यू रखे हैं, और वो आपको सबको पता है कि हमारे जो 15 वीडियोज है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर कंटिन्यू हम करते जा रहे हैं। और ये जो वीडियोज है वो कहीं दूसरा नहीं है, आप ही की बुक इंग्लिश का हमारा जो एडवांस सेकंड वाली जो बुक है उसके कंटिन्यू हमने एक से लेकर के और अब तक जो है 600 प्लस हमने वर्ड्स जो है वो कंप्लीट किए हैं। तो उन 600 वर्ड्स के दौरान हमने एक से लेकर के 200 तक के जो वर्ड्स हैं उनका ऑलरेडी आपका दो बार तो मैं टेस्ट ले चुका हूँ ऑन टेलीग्राम स्पेशली। तो एक बार फिर से आपका आज फिर से एक बार तीसरी बार रिपीटेशन हो जाएगा इस बहाने। लेकिन देखिए एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, हम जो टेस्ट का प्रोसेस साथ साथ लेके चल रहे हैं इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा इतना सा ध्यान रखना है कि यार इसमें आप ये मत सोचिए कि यार कौन टेस्ट देगा, कौन जाएगा, कौन टाइम वेस्ट करेगा, दिस इज नॉट गुड यार। एक रीजन होता है इंसान के पास में कुछ ना कुछ कार्य करने का, तो वो वजह अगर हम दे रहे हैं आपको कि आपके पढ़ने के पीछे एक वजह है तो आप क्यों नहीं करते उस चीज को फॉलो, तो प्लीज करते रहिए। मैं लास्ट में बस यही बोलूंगा आपको और सीधे ही टेस्ट पर चालू करूंगा आज का प्रोसेस विदाउट वेस्टिंग टाइम। मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि बस आप इतना ध्यान रखिए कि जो भी हमारी तरफ से आपको कंडीशंस दी जाती है, जो भी आपको ये कहा जाता है कि आज हम ये टेस्ट फेस करेंगे तो आपको जल्दी से एक बार पीछे वाला रिपीट करना, तो ये बहाना हो गया आपके पास में कि कम से कम आप पूरा कंटेंट रिपीट कर सकते हो जिससे कि हम आगे की क्लास को कंटिन्यू रख सकते हो और आपको मजा भी आता है। आपको पता है कि एक तो हम बैक टू बैक पढ़ते जाते हैं और साथ साथ बीच बीच में टेस्ट भी रखते जाएं, क्विज भी रखते जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका रिपीटेशन एक बहुत मस्त वाला हो जाता है। और कहते हैं ना कि जब तक प्रैक्टिस नहीं होता तो फिर परफेक्शन नहीं निकल करके आता, तो भाई प्रैक्टिस से ही परफेक्शन निकल करके आता है। तो आपके परफेक्शन को बहुत ही बेस्ट, शानदार और जबरदस्त बनाने के लिए आज के लिए हम जो लेकर के चल रहे हैं दैट इज लाइव टेस्ट 1 to 200, एक से लेकर के 200 तक के वर्ड्स का टेस्ट हम लेकर के चलेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए आप सभी लोग, और आप सभी को एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत है और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून भाई आप सभी का दिल से बिल्कुल। ओके जी आ जाओ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आज का जो स्टार्टअप होगा हमारा एक बहुत ही प्यारे से छोटे से क्योट के साथ में हम क्लास स्टार्ट करेंगे। आपको पता है अगर मेरी क्लास और क्योट आपके लिए नहीं हो तो मजा ही नहीं आता। तो एक छोटा सा जादू ही भरा और एक जबरदस्त था क्योट हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको मस्त आएगा, मजा भी आएगा आपको इसको पढ़ने में। चलिए देखिएगा, सीख लीजिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। आपकी समस्या का समाधान सिर्फ आपके पास में ही है। देखिए बात समझना, इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है कि आपकी समस्या का समाधान सिर्फ आपके पास ही है, किसी दूसरे को आपसे कोई मतलब नहीं है। जी हाँ, किसी दूसरे को आपसे कोई मतलब नहीं है। आगे कहा किसी व्यक्ति या किसी खराब परिस्थिति के लिए आप दिन भर रो लो, मतलब आप दिन भर रो लो किसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे पूरे दिन भर रो लीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए बल्कि लोग आपसे यही कहेंगे, पता है लोग आपसे क्या कहेंगे, बल्कि लोग आपसे यही कहेंगे कि तू ही है इसके लायक, तू है ही इसी के लायक। मतलब अपनी कमजोरियां जो है, सबसे पहली बात तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है लोग जो है वो आपकी कमजोरियों को जान करके आपके मजे ही लेते हैं, न कि आपकी हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपका मजा लेंगे क्योंकि वो आपको डिमोरलाइज करना चाहते हैं, वो आपको गिराना चाहते हैं। तो बल्कि लोग आपसे यही कहेंगे कि तू है ही इसी के लायक, इसलिए अपने रास्ते खुद बनाओ, याद रखना जिंदगी में, इसलिए अपने रास्ते खुद बनाओ, लोगों की सोच के हिसाब से पहनना बंद करो। तो लोगों की सोच के हिसाब से नहीं चलना, हमें खुद की सोच के हिसाब से और खुद की मेहनत के दम पर हमको ये चीज कामयाबी हासिल करनी है। तो चलिए ठीक है, इस जोश और उत्साह के साथ में आज का सेशन हम मिलकर के और स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप ही के 1 से 200 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से निकल करके एक बहुत ही प्यारा सा बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके लिए। तो जल्दी जल्दी से सारे के सारे रेडी हो जाओ, फटाफट से सारे रेडी हो जाओ और सबको बुलवा लो कि यार आज जो है पिछले 15 दिन की क्लास में जो मेहनत की थी ना, आज उसका वास्तव में मजा आने वाला है, क्योंकि वो 15 डेज के वीडियोस में से निकाल करके हमने एक निचोड़ निकाला और वो जो निचोड़ हमने निकाल दिया उस निचोड़ को आज हम यहाँ पर निचोड़ डालेंगे नींबू की तरह सारे के सारे को। चलिए हो जाओ, सारे रेडी है मतलब समझ गया हमें, आ जाओ जी। आपके लिए पहला क्वेश्चन है और आपका टाइमर आपके लिए स्टार्ट होता है। जल्दी जल्दी से आपके आंसर्स बता दीजिए कि आपके आंसर्स क्या होंगे। योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए अब जवाब दीजिए जल्दी जल्दी से। अ डिक्लेरेशन दैट इज मेड एम्फेटिकली एम्फेटिकली मतलब हो जाता है बल से, बलपूर्वक जो घोषणा की जाती है
और जो बनाया जाता है कि हाँ ये मैंने जो बोल दिया बस वो ही होगा, मैंने जो ठान लिया बस वो ही करूंगा, व्हाट डू यू कॉल्ड? कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्फ्यूटेशन, अवर्मेंट या असर्सन? व्हाट डू यू मीन टू से? एवरमेंट या फिर असर्सन? क्या लगता आपको चारों में से? फटाफट अपने आंसर लॉक कीजिए। भाई ये वो ही है जो आपने पढ़ा है, आप ही की क्लास से लिया गया है पार्ट। चलिए जी, आई एम गेटिंग योर आंसर्स, फाइन। चलिए जल्दी जल्दी कीजिएगा, जिनके आंसर्स आ पा रहे हैं मैं उन लोगों को बता दूं कि आपके आंसर्स क्या होंगे। यहां से आप क्लिक कर सकते हैं अपने अपने आंसर्स को फटाफट से। चलिए जल्दी कीजिए, आज का टारगेट है बहुत सारे क्वेश्चंस हमें फटाफट से फिनिश करना है। ओके चलिए, अच्छा कोई ऐसा ना करे कि कॉपी पेस्ट कर दे रहा होगा यार, बाकी लोग सारे सीख रहे अपने भी सीख रहे, तो एग्जैक्टली आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? एवरमेंटी होगा, डेफिनेटली आपका आंसर एवरमेंटी होगा। तो समझ लीजिए एवरमेंट का मतलब अगर मैं हिंदी में कहूं तो दृढ़ निश्चय भी आप इसके लिए बोल सकते हो, ठीक है ना, या दृढ़ कथन भी आप इसके लिए बोल सकते हो, क्योंकि बहुत ही प्यारा वर्ड है जो एम्फिटिकली डिसाइड किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कॉन्ट्राडिक्शन का जो मीन होता है वो आप सभी जानते हो, कॉन्ट्राडिक्शन विरोधाभास को बताता है, तो आर्ग्यूमेंट को बताता है आपस में कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा से ही आप समझ जाइए, क्योंकि कॉन्ट्रा जो होता है, कॉन्ट्रा का मतलब ही क्या होता है? अगेंस्ट होता है। कॉन्ट्रा का मतलब क्या हो जाता है? अगेंस्ट। तो यहां से आपका ये वाला आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। और डिक्शन का मतलब डेफिनेटली आप क्या कह सकते हो? जो शो करे किसी चीज को, तो कॉन्ट्राडिक्शन मींस टू से विरोधाभास। चलिए भाई ये चीज बहुत आसान है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ए नहीं होगा। कन्फ्यूटेशन कॉन्फ्यूट से बना, कहां से बना? कन्फ्यूट से बना। और कॉन्फ्यूट का मतलब भी क्या होता है? अपने आप में किसी चीज को खंडित कर देना या खंडन करना, समझ रहे हो? खंडन करना मतलब मना करना, मतलब मान लीजिए एक तो ये कहता है कि हाँ आई विल डू, मैं ये करूंगा, डेफिनेटली मुझे ये काम करना और मैं करके रहूंगा। एक तो वो पर्सन होता है जो एवरमेंट शो करता है, दृढ़ निश्चय शो करता है किसी भी कार्य के प्रति, जो अपना साहस शो करता है, दैट इज एवरमेंट। लेकिन मैं आपको एसर्सन का भी बता देता हूं कि एसर्सन और एवरमेंट दोनों का सेम साउंड होता है, लेकिन ये किसके द्वारा दिया जाता है? बाई कॉट। ये तो बाई कॉट दिया जाता है, और ये जो वर्ड यूज किया जाता है बाई पर्सनली, ये पर्सनल होता है, तो ये पर्सनल लेवल पर होता है, ठीक है ना। पर्सनल लेवल मींस ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। तो किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा जब कोई चीज ठान ली जाती है कि हाँ ये मैं करके रहूंगा, तो डिक्लेरेशन मतलब घोषणा किसी चीज के प्रति जो मैड की जाती है एम्फिटिकली, एम्फिटिकली मतलब होता है पूरे पावर के साथ में, पूरे बल के साथ में, तो उसी को हम क्या बोल सकते हैं? एवरमेंट के नाम से बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत ही प्यारा वर्ड था, सबका रिस्पॉन्ड पॉजिटिव था। आज हो तो फिर इस बात पर अगले में ऑप्शन की तरफ चलते हैं, लेकिन आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिएगा। तो कन्फ्यूट जो हुआ, कन्फ्यूटेशन से कन्फ्यूट बना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आ जाओ, अगला क्वेश्चन रेडी है आप लोगों के लिए, फटाफट से जवाब दीजिएगा अगले क्वेश्चन में क्या होगा। योर टाइम स्टार्ट नाउ। अ स्नो ऑफ मास ऑफ स्नो आइस दैट फॉल्स डाउन द साइड ऑफ अ माउंटेन, फटाफट से लॉक कीजिए आंसर, जल्दी 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 सारे के सारे। चलिए जी आपके आंसर्स का इंतजार है मुझे। चलिए जो अभी आ रहे हैं उनको वेरी गुड आफ्टरनून, बस तैयार हो जाए और जल्दी से फटाफट से रेडी होकर के और क्वेश्चन पर अटैक करें। चलिए भाई क्या सोच रहे हैं जल्दी जल्दी बताएं सारे के सारे। एक ऑप्शन है टॉरेंट एवलेंच, अगला दे दिया स्नोफॉल, अगला दे दिया फ्लड। चलिए तो ज्यादातर कैंडिडेट्स बी ऑप्शन बता रहे हैं। ओके फाइन, आई जस्ट के ओके। चलिए बी की तरफ ज्यादा इशारा जा रहा है, तो बता दूं मैं कि मास का मतलब होता है कलेक्शन। मास का मतलब क्या हो गया? ग्रुप। ग्रुप का मतलब हो जाता है एक प्रकार से कलेक्शन, तो मास का मतलब हो जाता है कलेक्शन, ठीक है ना। बहुत सारा स्नो आइस दैट फॉल्स डाउन, जो क्या होता है? फॉल्स डाउन, गिरता है, द साइड ऑफ ए माउंटेन, माउंटेन से होकर के गिरता है, पर्वतों से होकर के गिरता है, उसी को हम क्या बोल सकते हैं? पता नहीं क्या बोल सकते हैं। पहला वर्ड एग्जैक्टली जो लोग क्या बता रहे हैं देख लो एक बार। चले लो, ज्यादातर लोग बी बता रहे हैं, तो भाई डेफिनेटली एवलेंच ही होगा। मैं आपको टॉरेंट के बारे में बता देता हूँ कि टॉरेंट जो होता है वो पानी का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ ए वाटर। इसको मैं कह सकता हूँ कि जो बहुत तेज पानी का फ्लो होता है उसको हम बोल सकते हैं प्रचंड द्वार, मतलब बहुत तेज वाली जो स्ट्रीमिंग होती है ना, वाटर स्ट्रीमिंग, वाटर स्ट्रीमिंग, ठीक है ना। वाटर स्ट्रीमिंग विच इज वेरी फास्ट, जो बहुत तेज होती है उसको बोल सकते हैं वाटर स्ट्रीमिंग विच इज वेरी फास्ट। जैसे पानी का बहाव जो होता है ना, स्ट्रीमिंग जिसको अपन कह सकते हैं। एवलेंच के लिए आपको याद भी करवाया था, आपको याद होगा
अव्वल जो लंच करता है, बात सुनेगा, अव्वल जब लंच करता है तो वो क्या करता है, हिमस्खलन को देखते हुए लंच करता है, बर्फबारी को देखते हुए करता है। अब आप कहोगे सर स्नोफॉल भी तो हो सकता है, एवलेंच हो सकता है, तो स्नोफॉल भी, जी हाँ, मैं बता देता हूं आपको, एवलेंच का मतलब होता है बहुत मात्रा में, भारी मात्रा में बर्फ का गिरना एक साथ, और स्नोफॉल का मतलब होता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में, मतलब हल्के हल्के होना, ठीक है ना, थोड़ी मात्रा में, हल्की मात्रा में होना, हल्की हल्की या कम स्पीड में होना, हल्की हल्की बर्फबारी जिसको अपन कह सकते हैं, और ये भारी बर्फबारी जिसको अपन कह सकते हैं, ठीक ना, अंतर देख लो, दोनों एक ऑप्शन में आ सकते हैं, आपके लिए मैंने क्वेश्चन बनाया था। और फ्लड का मतलब हो जाता है लार्ज कलेक्शन ऑफ वाटर, ठीक ना, तो बाढ़ इसको आप कह सकते हो, इनंडेशन के नाम से भी आप इसको बोल सकते हो, आपको सबको पता है इनंडेशन का मतलब ही क्या हो जाता है, बाढ़ ही होता है स्पेशली, तो डेफिनेटली आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, एवलेंच ही होगा, टोरेंट, समझिए आप, टोरंटो जो कि कनाडा का एक शहर है, मैंने याद करवाया था कि टोरंटो में क्या आ गई है, पानी की बहुत तेज क्या होती है, स्ट्रीमिंग चलती है, वाटर स्ट्रीमिंग जहां बहुत तेज हो, अव्वल लंच करता है देख करके बर्फबारी को, स्नोफॉल हो गया तो हल्की हल्की बर्फबारी पड़ती है, ये तो हमारे इंडिया हर जगह कहीं भी देख लो आप, जनरली आपको पता लद्दाख क्षेत्र में, ठीक ना, तो ये चीज होती रहती है, एवलेंच भी होता है तो स्नोफॉल भी होता है जम्मू कश्मीर एवलेंच क्षेत्र में, ठीक ना, चलिए तो फूड भी हो गया, ओके फाइन, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट तो ले ही लेना चाहिए आपको क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पता है, चलिए जी जल्दी जल्दी कीजिएगा और स्क्रीनशॉट लीजिए और अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाए, चलिए भी सारे के सारे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडी फॉर यू, स्टार्ट वर्किंग नाउ, चलिए स्टार्ट वर्किंग, योर टाइम स्टार्ट नाउ, द स्टडी ऑफ नेचुरल ऑफ वैल्यूज एंड वैल्यूज जजमेंट, द स्टडी ऑफ नेचुरल ऑफ वैल्यूज एंड वैल्यूज जजमेंट, एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और थियोलॉजी, मेटाफिजिक्स होना या ऑन्टोलॉजी होना, देख लीजिए जो बताना आपको, आपके अकॉर्डिंग अपने आंसर लॉक कर सकते हैं भाई, फटाफट 30 सेकेंड्स आपके पास में था और टाइम जाने वाला है, ओके लेट्स सी, ए ऑप्शन ज्यादातर बता रहे हैं, ओके ए, चलिए जी मैं बता देता हूं आपको, यहां पर आपको दिया गया है, ओके मैंने देख लिया आपके आंसर्स, वैल्यूज एंड वैल्यूज जजमेंट की जब बात की जाती है, मूल्य मीमांसा जिसको हिंदी में बोल सकते हैं, अगर मैं इसको हिंदी में बोलूंगा तो मैं यही बोलूंगा मूल्य मीमांसा, अब ये मूल्य मीमांसा का मतलब क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, जिसमें वैल्यूज की स्टडी की जाती है चीजों की, देखो द स्टडी ऑफ नेचुरल ऑफ वैल्यूज, किसी भी चीज की वैल्यू का और वैल्यूज जजमेंट का अध्ययन जहां किया जाता है उसी के लिए क्या बोलते हैं, स्पेशली एक्सियोलॉजी के नाम से बोलते हैं, पर्टिकुलरली बहुत ही प्यारा वर्ड होता है एक्सियोलॉजी, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। अब एक्सियोलॉजी की अगर मैं ब्रांच की बात करता हूं तो तीन इसकी ब्रांच होती है, देखो इसकी तीन ब्रांच होती है, एक होता है इथिक्स, एक होती है इसकी जो ब्रांच हम बोलते हैं एस्थेटिक्स, ठीक है ना, इसकी जो पहली ब्रांच होगी वो होगी इथिक्स होगी, दूसरी ब्रांच जो होगी इसकी क्या हो जाती है एस्थेटिक्स। अब मुझे जल्दी से एक बार ये बता दो आप लोग कि एस्थेटिक्स का अर्थ होता क्या है, चले भाई जल्दी कीजिए, इतना सा बता दीजिए कि एस्थेटिक्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि तीसरी ब्रांच इसकी लॉजिक्स होती है, क्योंकि ये तीन ब्रांच इसके अंदर होती है, इनको मैं बोल सकता हूं कि इनकी क्या हो गई, एक्सियोलॉजी की ये क्या होती है, ब्रांच होती है भाई, ठीक है ना, ब्रांच। इथिक्स मतलब नीति शास्त्र, इसमें नीतियों का अध्ययन किया जाता है। एस्थेटिक्स मतलब आपको पता होना चाहिए सौंदर्य शास्त्र, लेकिन किसका सौंदर्य, नेचर का, नेचर या ब्यूटी का जो अध्ययन होता है। लॉजिक्स का मतलब होता है तर्कशास्त्र, तर्क शास्त्र के नाम से हम तीनों का करते हैं। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है ज्ञान मीमांसा, या ज्ञान प्राप्ति का जो अध्ययन किया जाता है ना उसके लिए बोला जाता है ज्ञान मीमांसा। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं इसके अंदर, एपिस्टीमो जो होता है, एपिस्टीमो का मतलब ही क्या होता है, नॉलेज होता है। मेरे साथ में लिख लीजिएगा, एपिस्टीमो का मतलब क्या हो जाता है, नॉलेज, और लॉजी का मतलब आप जानते हैं स्टडी जिसको अपन बोल सकते हैं। थियोलॉजी का अगर मैं बात करता हूं तो स्टडी ऑफ गॉड या रिलीजन या रिलीजियस थिंग्स, तो धार्मिक चीजों का अध्ययन होता है या भगवान का जिसमें अध्ययन दिया जाए उसको हम थियोलॉजी के नाम से बोल सकते हैं। मेटाफिजिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो यह भी एक प्रकृति का अध्ययन ही है,
इसमें भी किया तो यही जाता है, मतलब प्राकृतिक चीजों का अध्ययन ही जो होता है उसको भी मेटाफिजिक्स के नाम से बोलते हैं। बहुत ही प्यारा वर्ड होता है मेटाफिजिक्स, ठीक है ना। अब देखो आगे दिया हुआ आपको ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है सत्ता शास्त्र होना, ठीक है ना। देखो सत्ता शास्त्र, हम सत्ता शास्त्र के लिए किसका यूज करते हैं, ऑन्टोलॉजी। मतलब सत्ता, आप समझोगे कि सर सत्ता कोई पॉलिटिकल सत्ता के लिए बोला जाता है क्या, नहीं। ये सत्ता जो होती है वो एक प्राकृतिक तौर पर ही अध्ययन किया जाता है, जिसमें प्राकृतिक चीजों का क्या किया जाता है, इन्वॉल्वमेंट किया जाता है। तो अब जरा जानने की कोशिश कीजिएगा एक बार, स्टडी ऑफ नेचुरल ऑफ वैल्यूज एंड वैल्यू जजमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें एक्सियोलॉजी आता है। एक्सियोलॉजी का मतलब होता है वैल्यू का जो अध्ययन होता है, वैल्यू किसी भी चीज की वैल्यू होना, ना कि पैसों की यहां पर कोई बात हो रही है। ब्रांच इसकी इथिक्स होती है, एस्थेटिक्स होती है और लॉजिक्स के नाम से चलता है। तो जो सौंदर्य शास्त्र नेचर ऑफ ब्यूटी हम पढ़ते हैं, नेचर ऑफ ब्यूटी, एस्थेटिक्स आपने पढ़ा था, जबकि कैलोलॉजी का मतलब तो हो जाता है जहां पर इंसान की ब्यूटी का अध्ययन किया जाता है। एपिस्टेमोलॉजी आपका नॉलेज का अध्ययन हो गया, याद रखना एपिस्टेमो का मतलब क्या हो जाता है, नॉलेज। थियो मतलब भगवान, मेटाफिजिक्स हो गया, ऑन्टोलॉजी आपका हो गया। फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जिससे कि हम आगे चलते हैं और एक नई चीज सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलिए ओके फाइन। तो मेटाफिजिक्स जो प्राकृतिक, प्रकृति से परे क्या क्या चीजें हो सकती है, उन चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है, क्योंकि फिजिक्स का मतलब यहाँ पर प्रकृति से हो किया जाता है और मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड। चलिए भाई आ जाओ अगले वर्ड की तरफ चल रहे हैं और अगला क्वेश्चन आपके लिए पेश है, दैट इज 4 नंबर पर है। और चलिए स्टार्ट टाइम नाउ। ओके, स्क्वीज और फॉर्म समथिंग इनटू अ राउंडेड शेप, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में अब तक मेनी टाइम्स इसको देखा गया है। जल्दी जल्दी से सोल्व कीजिए, क्या करने वाले हैं। लेट्स सी आपका आंसर क्या होगा। चलिए तो कंप्लीट है। ओके, आई एम वेचिंग योर आंसर, आई एम वॉचिंग योर आंसर। सी सी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली सी। ओके फाइन, चलो भाई ठीक है। तो सी ज्यादातर आंसर बताते हो, तो एग्जैक्टली मैं आपको यही बताऊंगा कि इसमें डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी ही होगा। क्योंकि आपको मैं एक चीज बता दूं, इसमें सी होने के पीछे रीजन ये है, एक एक का देख लो। बैलेट जो होता है, हमने लास्ट क्लास में भी हम पढ़ रहे थे, इसको हम बोलते हैं एक प्रकार से प्रेम गीत के नाम से हम बोल सकते हैं। बैलेट दैट्स मीन टू से प्रेम गीत बोलना, ये होता है बैलेट। बैलेट का मतलब होता है मतपत्र, ठीक है ना, जिसमें मत डाले जाते हैं, दैट इज मतपत्र। और बैलेट का मतलब होता है नृत्य नाटिका, जिसको अपन कह सकते हैं, ठीक है ना, नृत्य नाटिका, जिसको अपन ने कहा नृत्य नाटिका। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा। और तीसरा जो वर्ड है दैट इज बोल्ड, जो एक राउंडेड शेप में होती है, हम उसी को बोल रहे हैं बोल्ड, जो होती है उसी के लिए डेफिनेटली वर्ड यूज किया जाता है। तो आपने सबने आंसर सही दिया, एग्जैक्टली और आर एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, बोल्ड, बैलेट और बैलेट। ये भी बैलेट है और ये भी बैलेट है। ओ वाला होता है तो मतपत्र और ईटी वाला होता तो नृत्य नाटिका, और बैलेट अगर हो बी ए डब्ल एल ई डी तो प्रेम गीत के नाम से आप इसको बोल सकते हैं। चलिए फाइन ओके, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, आ जाइए और फटाफट से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि फिफ्थ नंबर में क्या होगा। योर टाइम स्टार्ट नाउ। एन एम्बेरेसिंग मिस्टेक ड्यूरिंग लाइव। अब आप सोच रहे होंगे सर ये लाइव का क्या सीन है। देख लीजिए आप, कोई भी चीज अब लाइव चल रही होती है और उस समय मिस्टेक हो जाती है तो क्या बोलते हैं उसको। चलिए भाई एन एम्बेरेसिंग मिस्टेक को क्या बोल पा रहे हैं आप, लेट्स सी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बता रहे हैं ज्यादातर, बी। ओके बी बता रहे हैं, ओके बी। चलिए भाई ठीक है, आई एम वॉचिंग योर आंसर्स, बी। ठीक है बी। ओके चलिए ठीक है, बी आंसर। ओके चलिए देख लीजिए एक बार। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको बाकियों के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज होंगे। गैफे का मतलब भी गलती होती है, सॉलिसिज्म का मतलब भी गलती होती है, ब्लंडर का मतलब भी गलती होती है। तो कहाँ कहाँ कौन कौन सी गलती को काउंट किया जाता है। डेफिनेटली योर आंसर इज बी एग्जैक्टली, लेकिन बाकी ऑप्शन क्यों गलत है इनके बारे में बता देता हूँ। कि सबसे पहले जो ब्लंडर यूज किया जाता है, ये एक स्टूपिड सी मिस्टेक होती है, इसको हम बोलते हैं कि स्टूपिड मिस्टेक होना। मतलब एक स्टूपिड मतलब मैं बोल सकता हूँ जनरली, जैसे मान के चलिए
एक ऐसी गलती जो बिल्कुल जनरल होती है, स्टूपिड सी मिस्टेक जिसको बोलते हैं, हालांकि ब्लंडर मतलब बिग मिस्टेक बोली जाती है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि दिस इज कॉल्ड बिग मिस्टेक, एवरीवन नोज बिग मिस्टेक। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड बिग मिस्टेक, बट इसको हम बोलते हैं स्टूपिड सी मिस्टेक होना। अगर मैं सॉलिसिज्म के लिए बात करता हूं तो यह ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, ओके, इट्स ए ग्रामेटिकल मिस्टेक इन स्पीच और राइटिंग। मतलब मान लीजिए कि जब भी हम कोई इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो लैंग्वेज की जो भी मिस्टेक हमारे साथ में हो रही है, अगर हमारे द्वारा कोई भी लैंग्वेज की मिस्टेक की जा रही है, तो उसमें ग्रामेटिकल जो कमियां होती है हम उसको एक नाम से बोलते हैं, दैट इज सॉलिसिज्म। सॉलिसिज्म देख करके क्या करती है, भयंकर गलती करती है। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के लिए हमने सॉलिसिज्म बोल दिया। दूसरा आता है गैफे। गैफे का मतलब हो जाता है सोशल मिस्टेक। अब जैसे आप देखिए, सोशल मिस्टेक कैसे हो सकती है, आप सोसाइटी में कैसे कोई मिस्टेक कर सकते हैं। अरे भाई, जैसे मान के चलिए कि आप कहीं पर है, कोई शादी का माहौल है, जनरली कहीं पर गए हुए, आपने किसी व्यक्ति का नाम जो है वो गलत नाम बोल करके उसको बोला, या फिर हो सकता है कि आपको एक ऐसी मिस्टेक हो गई कि आप किसी व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति समझ बैठे, मतलब आपका कोई जानकार था। ऐसा नहीं हो जाता है कि हम किसी को देख लेते हैं या किसी को पीछे से देख करके हम उसको अपना जानकार समझ करके कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है ना, जैसे मान के चलिए आप जा रहे हो, आपको आपका कोई दोस्त नजर आ गया कि यार यू तो राकेश ही है यार, अपना वो वाला राकेश राक्यो, ठीक है ना, समथिंग लाइक दैट, आपको ऐसा लग जाता तो आप जल्दी से क्या बोलते थे, अरे राकेश, तो वो पीछे पलट करके देखा भाई कौन राकेश है, मैं हूँ, समझ गया ना, यहाँ कोई राकेश, ठीक है भाई सॉरी यार, मुझे लगा मेरा दोस्त है मेरे गांव का राकेश, ठीक है भाई सॉरी, ओके कोई बात नहीं, तो राकेश हुआ, चलिए ठीक है, ओके फाइन। तो जल्दी से एक बार लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट, और जिसको डाउट हो बोलना। अच्छा, ब्लूपर क्लियर कर दो, ओके ओके, हाँ ब्लूपर क्लियर कर देता हूँ, सॉरी। एन एम्बेरेसिंग मिस्टेक ड्यूरिंग लाइव, इसका मतलब ये होता है, जैसे मान के चलो लाइव में या ब्रॉडकास्टिंग में या जैसे मान के चलो कि कोई भी मूवी का कोई सीन हो या कोई सीरियल हो, ठीक है ना, या ब्रॉडकास्टिंग के दौरान रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो या कोई लाइव वीडियो लाइव ब्रॉडकास्टिंग, और उसके दौरान अगर कोई गलती हो जाती है तो उस कंडीशन में पर्टिकुलरली किसका यूज करते हैं, ब्लूपर का यूज करते हैं। ये याद रखिएगा आप, किसका यूज करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग के दौरान जो मिस्टेक हो जाती है उसको हम ब्लूपर के नाम से यूज करते हैं। चलिए, हाँ टेक्निकल बोल सकते हैं, वेरी गुड शाबाश, टेक्निकल मिस्टेक आप बोल सकते हो, तो इसको हम टेक्निकल के नाम से बोलेंगे। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट से और आगे चलिएगा, इट कॉल्ड टेक्निकल मिस्टेक एग्जैक्टली। चलिए, सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन है रेडी और योर टाइम स्टार्ट नाउ, स्टार्ट सॉल्विंग। अ वुमन्स स्मॉल प्राइवेट रूम और बेडरूम, जल्दी बताएंगे क्या होने वाला है इसमें आंसर। चलिए भाई जल्दी कीजिए, अपने अपने आंसर लॉक कीजिए, जल्दी करें फटाफट से। ओके, आई एम गेटिंग योर आंसर्स। सिक्स नंबर पर दिया हुआ आपको वुमेन्स स्मॉल प्राइवेट रूम और बेडरूम, आंसर्स आपके सबके ए आ रहे हैं। चलिए तो डेफिनेटली लेट्स चेक विदाउट वेस्टिंग टाइम, बुडोयर आपका आंसर है सर, बुडोयर होना चाहिए, लेट्स टेक, बुडोयर होगा, बेडरूम होगा, स्लीपिंग रूम होगा, स्लीपिंग रूम था ये ना, स्लीपिंग रूम होगा या बाथरोब होगा। तो बाथरोब तो आपको जानते हो कि नहाने का चोगा होता है, एक लूज वस्त्र पहना जो नहाने से पहले और नहाने के बाद में जनरली पहनते हैं, उसको बोलते हैं बाथरोब। स्लीपिंग रूम है और बेडरूम है और बुडोयर। अगर आपको स्पेशल वर्ड, अगर एक चीज बताओ, जनरल ये तो हम बोलते ही बोलते हैं, लेकिन इसमें एक स्पेशल चीज है कि प्राइवेट रूम, मतलब जिसको श्रृंगार कक्ष के नाम से भी बोल सकते हैं, मेकअप रूम के नाम से भी बोल सकते हैं, उनका सलून भी बोल सकते हैं स्पेशली, या बेडरूम बोल सकते हैं जनरली, जो वुमन का पर्सनल होता है। जनरल सी बात है, यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वन इज बुडोयर। क्या बोल दिया हमने, बुडोयर, और आपको इसको याद भी किया हुआ, आपको ब्रेक करके याद कराया था, बहु डोर को क्लोज कर ले, कौन सा डोर, श्रृंगार कक्ष वाला या बेडरूम का या प्राइवेट रूम का कक्ष जो है वो बंद कर ले, कौन कर ले, बहु, एग्जैक्टली। तो आपको याद आ गया। चलिए, छह नंबर आपका आंसर जो है ए है, आ जाओ सात नंबर की तरफ चलते, प्यारा वर्ड है, बहुत ही प्यारा वर्ड है सची में। चलिए लेट्स सी दैट क्या हो सकता है इसमें आंसर, चलिए स्टार्ट सॉल्विंग नाउ एवरीवन।
चलिए जी फटाफट से सोल्व कीजिएगा, योर टाइम इज गोइंग नाउ। ओके गेटिंग योर आंसर। चलिए सेवन में आप बता रहे हैं, सेवन में आप बता रहे हैं बी। लेट्स चेक स्पीड फास्ट, चलिए स्पीड फास्ट लेते हैं। ओके स्पीड फास्ट, चलिए ठीक है आपके आंसर्स हो गए। यहां से आंसर करते हैं, सबसे पहले हमने कहा कि फीडिंग ऑन और लिविंग इन लाइमस्टोन, ठीक है ना, जो फीडिंग ऑन करता है लिविंग रहता है लाइमस्टोन, मतलब जो चूना पत्थर क्या करता है खाता है भाई, समझने की कोशिश कीजिएगा। वी ओ आर का मतलब था टू ईट, मतलब निगल जाना, और बैक्सी अगर मैं बात करता हूं बैक्सी का मतलब हो जाता है बेर, तो बैक्सी वरस का मतलब हो जाता है बेरी खाने वाला, बेरी खाने वाला मतलब बेर खाने वाला, दैट्स मीन टू से बेरी भी बोल दो या बेर भी बोल सकते हो। तो पहली बात तो जो आप लोग आंसर बता रहे हैं डेफिनेटली आपका आंसर क्या होगा, बी होगा, हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए भी यूजफुल, एग्जैक्टली हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए यूजफुल। कैल्सीवरस जो है वो डेफिनेटली क्या होता है, लाइमस्टोन ही होता है, तो कैल्सीवरस का मतलब लाइमस्टोन ही हुआ एग्जैक्टली। तो और वॉर का मतलब हो जाता है टू निगलना, खा जाना, टू ईट होना, ठीक है ना। तो जहां जहां पर वी ओ आर आ जाए समझ लो उसका मतलब टू ईट ही होता है, निगलना ही होता है, ठीक है ना। ग्रैनी का मतलब हो जाता है सीरियल, ग्रेन जिसको मैं अनाज के नाम से बोल सकता हूं, जो अनाज को खाता है डेफिनेटली उसको हमने क्या बोल दिया, वी ओ आर निकलने वाला, ग्रैनी वरस। और फ्रूजी हम इसको बोलते हैं फ्रूजी, फ्रूजी मतलब होता है फ्रूट, हमने क्या बोल दिया फ्रूजी का मतलब फ्रूट, और वी ओ आर का मतलब हो जाता है टू ईट, तो फ्रूजी वरस का मतलब हो गया जो फ्रूट को खाता है, दैट इज फ्रूजी वरस, याद रखना फ्रूजी वरस का मतलब हो जाता है जो फ्रूट खाता है। तो भाई ठीक है, फीडिंग ऑन लिविंग इन लाइमस्टोन, दैट्स मीन टू से अपना आंसर हो जाएगा कैल्सीवरस, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए और अगले क्वेश्चन की तरफ अटैक कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए रेडी है, दैट इज एट नंबर क्वेश्चन, फटाफट से सोल्व कीजिएगा, योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके फाइन योर टाइम हैज बीन फिनिश्ड। ओके जी चलिए, ज्यादातर आंसर्स है सी, तो डेफिनेटली जो है एग्जैक्टली सभी लोगों का सही है, सभी लोगों का डेफिनेटली सही है, एग्जैक्टली सी ही होगा आपका। कोल्ड्रोन का मतलब मैं आपको बता दूं, कोल्ड्रोन का मतलब जो होता है भाई, कोल्ड्रोन का मतलब होता है कड़ाही, जैसा कि आप जानते हैं कि अ लार्ज डीप, देखो लार्ज मतलब बड़ा, डीप मेटल पोट, पोट का मतलब बर्तन, यूज फॉर कुकिंग, ओवन ऑन फायर, ओवर ऑन फायर, तो आग के ऊपर रख करके हम उसमें कुछ भी बना सकते हैं, दैट इज कढ़ाई। स्केलेट की अगर मैं बात करता हूं तो ये एक पैन होता है, अ पैन फॉर फ्राइंग। देखो कोई भी चीज को फ्राई करने के लिए हम जनरली यूज करते हैं, और इसके एक हैंडल लगा होता है, स्केलेट का मतलब हो जाता है हैंडल लगा होता है इसके, और आप देखना कभी जनरली हमारे घरों में भी होता है स्केलेट, ऐसी बात नहीं है, तवा भी जिसको हम बोल सकते हैं, रोटी भी पका, लेकिन ये ज्यादातर फ्राई करने के लिए यूज किया जाता है। ये वो तवा नहीं है जिसमें हम चपाती को सेक सकते हैं, रोटी को हम क्या कर सकते हैं, नहीं, ये फ्राई करने के लिए यूज किया जाता है जनरली। बैरल मतलब खाली एक वो बर्तन होता है जिसमें ऑयल भरा जाता है, या पानी भी हम जनरली भर सकते हैं, बैरल होता है। और कैटल ना बोल के कैथली आप बोल दो सीधा ही, तो आप जानते हैं कैथली, जनरली आप सभी जानते हैं कैथली क्या होता है। तो कोल्ड्रोन का मतलब जो डीप हो गया और जिसको अपन फायर पे रख देते हैं, दैट्स मीन टू से कोल्ड्रोन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नाइन नंबर और बहुत ही प्यारा वर्ड है, जल्दी जल्दी से सोल्व कीजिएगा, चलिए फटाफट से स्टार्ट सोल्विंग, योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए जी ठीक है, योर टाइम इज गोइंग टू फिनिश नाउ। ओके फाइन, चलिए आई एम गेटिंग योर आंसर्स, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया आंसर्स दे रहे हैं, डेफिनेटली बी 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 सारे के सारे, तो एग्जैक्टली आपका जो आंसर होगा वो बी ही होगा। लेकिन मुझे बता दो कहीं चीटिंग वीटिंग तो नहीं कर रहे हो ना, डेफिनेटली याद ही किया था तभी बता रहे हो, कहीं बुक खोल के बैठे हो और फिर बता रहे हो, याद रखना गलत बात है ये, खुद की ईमानदारी खुद के पास में होनी चाहिए भाई। तो चेफ हमने बोल दिया, चेफ पढ़ो पहले, रब करना मतलब घिसना, रब करना, ठीक है,
अ पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के किसी भी एक पार्ट को टू रिस्टोर, क्या करने के लिए, वापस से स्टोर करने के लिए, वार्म गर्म, ठीक है ना, वार्म को, एंड सेंसेशन लाने के लिए, एक्टिवनेस लाने के लिए, सेंसेशन लाने के लिए और रिस्टोर वार्म करने के लिए। एसेंडर, एसेंडर का मतलब होता है सेपरेट पार्ट, सेपरेट पार्ट एट स्पेस, या इन स्पेस भी आप इसको बोल सकते हो, स्पेस में डेफिनेटली सेपरेट पार्ट इन स्पेस। अब ये चीज आपको समझ में आएगी कि अंतरिक्ष में जो अलग अलग पार्ट, बटे हुए भाग होते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, एसेंडर के नाम से बोलते हैं। जेलिड का मतलब होता है वेरी कोल्ड, वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा, या एक्सट्रीमली कोल्ड भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत ठंडे के लिए हम बोल सकते हैं। और याद करवाया था आपको कि जेल जो होती है वो सर्दियों में लगाते हैं क्योंकि वो बहुत ठंडा होता है, तब हम जेल लगाते हैं। अब आप ऐसे महसूस कि सर जेल कौन सी लगाते हैं, ठंड नहीं, आपको याद रखना है कि सर्दियों में बहुत सर्दी ठंड लगने पर हम क्या लगाते हैं, जेल। और निप्पी का मतलब दो तीन आपको बताया था, एक निप्पी चीज का एग्जाम्पल दिया था आपको, निप्पी का मतलब आप देखिए, निप्पी मेन्स ठंडा भी होता है, ठीक है ना, निप्पी का मतलब आपका तिक्ष भी होता है थोड़ा सा, ठीक है ना, जिसको आप एसर्ब के नाम से भी बोल सकते हो भाई, क्या बोल सकते हैं, एसर्ब के नाम से भी बोल सकते हैं, ASERB, एसर्ब का मतलब भी यही होता है। और इसी को आप फुर्तीला के नाम से भी बोल सकते हो, डेफिनेटली आप फुर्तीला भी इसको बोल सकते हो। तो फुर्तीला तीक्ष्ण और ठंडा, निप्पी हो गया। निप्पर बता दीजिएगा मुझे जल्दी से सारे के सारे, किसी को निप्पर याद है तो जल्दी से बता दिए कि व्हाट डू यू मीन बाय निप्पर, बता दो जल्दी से। जेलिड हो गया जो बहुत ठंडा, चैफ, चैफ का मतलब हो जाता है जो रब करते हैं बॉडी पे, एसेंडर का मतलब होता है सेपरेट पार्ट इन स्पेस के लिए जनरली यूज किया जाता है। हाँ तो पढ़ के ही देना है, ऐसे नहीं चिटिंग विटिंग कर रहे हो कहीं, सारे के सारे याद रखना। चलो बताओ, निपर आप बता दीजिएगा, हाँ एजाइल होता है, शाबास, चलिए जी, ओके। अगला वर्ड, ठीक है, अगला वर्ड आपके सामने पेश है, अब ध्यान दीजिएगा, फटाफट से लॉक कीजिए आपका आंसर क्या होगा। चलिए जी जल्दी कीजिएगा, योर टाइम इज गोइंग। और मैं साइड में इसलिए आ जाता हूं कि कहीं आपको प्रॉब्लम ना आए दिखाई देने में, कि आप आराम से देख करके बता सको। एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस और ऑडेसिटी, शोइंग सैमलेस, या फिर इसी को आप एक एटीट्यूड भी बोल सकते हैं, एक बेड एटीट्यूड जो होता है किसी व्यक्ति विशेष का, उसके लिए भी यूज किया जाता है। चलिए जी फटाफट सोल्व कीजिएगा, क्या करने वाले हैं। ओके, दसवें में सी बता रहे हैं, दसवें में सी बता रहे हैं, ओके चलिए दसवें में सी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं, पेट्रीफाइड का मतलब होता है वेरी फ्राइटनेड, ठीक है ना, ये तो हो गया आपका। अबैस का मतलब अब बसकर, क्या आ गई उसको, लज्जा या श्रम जिसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है ना, लज्जित या श्रम, शर्मिंदगी फील करना, लज्जित या शर्मिंदगी फील करने के लिए जनरली यूज किया जाता है। क्या कोई बात नहीं, चलो दोबारा लिख देता हूं, लज्जित या शर्मिंदगी के लिए हम यूज करते हैं। चटस्पा, आपको याद होगा पाव को क्या कर गया था, चटस कर गया था, पूरा चट कर गया था, दैट्स मीन टू, तो चटस्पा डेफिनेटली आपका आंसर हो जाएगा। स्किटिस का मतलब हो जाता है एनिमल्स का नर्वस, देखो एनिमल्स बोलोगे सर एक्साइटेबल और नर्वस होना, तो मैं बोलूंगा एनिमल्स का नर्वस और एक्साइटेबल होना, चलिए फटाफट से देख लीजिएगा, EXCITABLE, ठीक है ना। चलिए फिर से बोलना चाहूंगा एक बार, पेट्रीफाइड मतलब डरावना होता है, बहुत ज्यादा डर गया, मतलब जो डर गया हो। अबैस का मतलब लज्जित या शर्म हो गया, चटस्पा का मतलब आप समझते हो, दैट्स मीन टू से, जो सैमलेस, ऑडेसिटी और पावर, कॉन्फिडेंस दिखाता है, जो बिल्कुल गलत होती है एटीट्यूड वाली। स्किटिस का मतलब होता है एनिमल्स का नर्वस और एक्साइटेबल होना, दैट्स मीन टू से। दसवें का आपका आंसर क्या हो गया है, सी। और बस रेडी हो जाए अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए जी आंसर हो चुका है, डन, और स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा, 11 नंबर आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से सोल्व कीजिएगा, स्टार्ट सॉल्विंग। हाँ लास्ट में डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे संदीप। पेट्रीफाइड तो सख्त होता है ना, तो पेट्रीफाइड मतलब डरना भी होता है, डरावना। चलिए कीजिए 11 नंबर में, हाउस इज ओन बाय अ पर्सन लिविंग इन इट बट शेयर्ड एरियाज आर ओन बाय एवरीवन टुगेदर टुगेदर। चलिए जल्दी कीजिए आंसर, लोग करेंगे फटाफट से आप सबके भी।
ओके भाई ठीक है, चलिए लेट्स टेक द सोल्यूशन ऑफ दिस केस स्पेशली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके आंसर सबके बता दूं कि जो लोग डी बता रहे हैं दे आर एब्सोल्युटली राइट, और डी के अलावा जो बता रहे हैं वो रॉन्ग है। तो हाउस जो है बनाया तो किसी एक के द्वारा, देखो ऑन तो किसी एक के द्वारा है, लिविंग सारे हैं, और शेयर एरिया जो है ऑन बाय एवरीवन टुगेदर, कहते हैं कि सबका बराबर बराबर का भाग है। बनाया तो दादाजी ने था, लेकिन अब जितने भी दादाजी के बेटे थे, चार थे, तीन थे, पांच थे, उन सबका बराबर बराबर का हिस्सा उसमें डिवाइड कर दिया गया, जबकि बनाने वाले कौन थे, दादाजी थे। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्डोमिनियम के नाम से हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। कौन का मतलब टुगेदर होता है, डोमिनियन आप समझते हो, डोमिनियन का मतलब वहां पर सेल्टर, जिसको अपन कह सकते रहे ना। कन्वेंशन का मतलब यहां से हम सम्मेलन बोलेंगे, सबसे पहले तो एक लार्ज सम्मेलन जहां पर बहुत सारे लोग जो होते हैं कलेक्टेड होते हैं। कन्वर्जेंस का मतलब आप समझते हो, जब कोई चीज एक स्थान से अलग अलग दिशाओं में, जब एक ही स्थान से जब अलग अलग दिशाओं में हम चले जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम कन्वर्जेंस बोलते हैं। और डाइवर्जेंस का मतलब हो जाता है, नहीं गलत बोल दिया मैं, अगर कोई एक स्थान से अलग अलग दिशाओं में चला जाता है वो तो हो जाता है आपका डाइवर्जेंस, ठीक है ना। और अगर कोई अलग अलग दिशाओं से एक स्थान पर आ जाता है, दैट्स मीन टू से इट कॉल्ड कन्वर्जेंस, ठीक है ना। आपको ड्राफ्ट बना करके और बहुत मस्त वे में बताया था, आपको याद होगा, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। जब एक स्थान पर जब अलग अलग दिशाओं से आते हैं तो, और जब अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, डाइवर्जेंस के नाम से बोल सकते हैं। इसके अलावा कोरिंजेंडम जो तैयार किए जाते हैं वो होते हैं शुद्धि पत्र, चलिए शुद्धि पत्र तैयार किए जाते हैं। और कॉन्डोमिनियम का मतलब आप समझ गए, बनाया किसी एक ने और सबका बराबर अधिकार है, दैट्स मीन टू से कन्वेनेंस, कन्वर्जेंस और आपका कोरिजेंडम हो गया। कोरिजेंडम करेक्ट से बना, देखो कोरी मतलब करेक्ट होना, तो करेक्ट मतलब शुद्ध और शुद्ध मतलब शुद्धि पत्र। आ जाओ जी अगले वर्ड की तरफ, आपको लेके चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से देखिए और सोल्व कीजिए, और टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, अब स्पीड करिएगा थोड़ी सी, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन साथ में मिलकर करने वाले हैं। ओके फाइन, सबके आंसर्स आ रहे हैं ज्यादातर कंप्लीट। ए स्ट्रेंजर हैविंग टू लाइंस इन वर्स, वर्स का मतलब होता है गद्यांश, वर्स का मतलब होता है गद्यांश। चलिए ए आंसर, ए दे रहे हैं आप ज्यादातर, ओके फाइन लेट्स टेक ए। डेफिनेटली आपका आंसर क्या होगा, ए ही होगा। सोनेट में जिसमें कितनी होती है भाई, 14 लाइंस होती है सोनेट में। दर्ज का मतलब होता है शोक गीत, किसी के मरने के बाद में जो गाया जाता है, दैट इज दर्ज, शोक गीत। और नहीं ये कोवर नहीं था, इट वॉज कवि, इट वॉज कवि, ठीक है ना, इट वॉज कवि। आई जस्ट टेल यू दैट क्या था ये, इट वॉज कवि। तो वर्ड को मैं थोड़ा सा सही स्प्लिट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि प्रॉब्लम ना आए। इट वॉज कवि, कोई बात नहीं है, सीख रहे हैं आप लोग कवि। और कवि के लिए मैंने बता रखा आपको ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब समूह है, किसका, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल को हम बोल सकते हैं कवि स्पेशली। तो कवि मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, दर्ज का मतलब शोक गीत, सोनेट 14 लाइंस की होती है, कपलेट 2 लाइन की होती है, कप और प्लेट के लिए, कप और प्लेट के लिए क्या गाई थी उसने, एक स्टेंजा, एक लाइन गाई थी, एक पोइम गाई थी, दैट्स मीन टू से ए आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए जी जल्दी करिए, जल्दी करिए फटाफट से, टाइम इज गोइंग। चलिए आप मार्चिंग, मैं सबके आंसर देखता हूँ, आपको क्या लगता है कि मैं आंसर नहीं देख रहा हूँ, सबके ओपिनियन देख रहा हूँ कि कौन क्या आंसर दे रहा है। बस याद रखिए कि आप अपने आंसर पर फिक्स रखें। चलिए आपको क्वेश्चन दिया, टू टेक अ लॉन्ग टाइम टू डू सी, टू टेक लॉन्ग टाइम टू डू और गो समवेयर। देखो ये चीज़ है ना, ये से कन्फ्यूज ना हो, ये गलत टाइप है, और गो समवेयर दैट्स मीन टू, ना कोई बात नहीं है, आ जाओ। चलिए ठीक है, हम टेकिंग योर आंसर्स, बी ज्यादातर बता रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या होगा, यहाँ से बी ही होगा। जरा देखिएगा, डीकन तो क्या था, एक पादरी था, छोटा पादरी हमने क्या बोल दिया था, डीकन तो एक छोटा पादरी होता है, छोटा पादरी हमने बोल दिया था डीकन के बारे में। डार्डल डेब्यू, जो डेब्यू हमारा पढ़ा था हमने, प्रथम प्रवेश, प्रथम प्रवेश के लिए हम बोल सकते हैं। किसी भी मूवी में, किसी भी परफॉर्मेंस में, किसी भी प्रोग्राम में
कहीं पर भी जो पहला एंट्री होता है, जिसका सबसे पहला जिसका प्ले किया जाता है कोई भी सिंगिंग गाना डांस, दैट्स इट। डेबनेर आपको पता होगा, डेबनेर का मतलब होता है खुशमिजाज व्यक्ति। खुशमिजाज व्यक्ति को हमने क्या बोल दिया, डेबनेर। देबू ने नेयर को क्या बताया था, खुशमिजाज बताया था। और दाव लगाने में दल क्या करता है, दाव लगाने में दल समय व्यस्त करता है, टाइम व्यस्त करता है, ठीक ना। दाव लगाने में याद आ गया आपको, दाव लगाने में जो दल क्या करता है, समय व्यस्त करता है, ठीक है ना। चलिए हो गया, आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी डेफिनेटली, यू ऑल आर एब्सोल्युटली राइट। 40 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। चलिए जी, 40 नंबर क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए जी, फटाफट से बता दीजिएगा क्या लग रहा है आपको। ओके ओके, योर टाइम इज गोइंग टू फिनिश। 14 में सी, ओके 14 में सी, डेलक्वेस, डेलक्वेस। चलिए देख लेते एक बार, यहाँ से जो डेमेंसिया दिया, हाँ आप अपने आंसर देती रहिएगा, मैं बता दूँ डेमेंसिया का मतलब होता है पागलपन। और ये पागलपन कब होता है, मेंटली डिस्टर्बेंस होने की वजह से, ठीक है ना। जब कोई व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी डेमेंसिया हो जाता है, तो डेमेंसिया दैट्स मीन टू से डेमेंट से बना, डेम पर जाकर आंट। डेसिस्टेंस अगर मैं बताऊँ आपको, डेलक्वेस बताऊँ, डाइडेम बताऊँ, तो पहले डाइडेम बताना चाहूँगा एक बार। डाइडेम का मतलब जो होता है वो मुकुट होता है, आपको पता है मुकुट हमने पढ़ा था, मुकुट जो रॉयल अंदाज में किसी को दिया जाता है, रॉयल फैमिली में जब कोई नया सिंहासन पर बैठता है तो उसको जो मुकुट पहनाया जाता है, डाइडेम हम इसको बोल सकते हैं। और डेलक्वेस और डेसिस्टेंस, देखो डेसिस्टेंस जो पर्टिकुलरली यूज किया जाता है, वो किया जाता है कि जहाँ पर भी सोशल एक्टिविटीज, एंटी सोशल कार्यक्रम हो रहे हो, जैसे मान के चलिए मैं बताऊँ इसका पूरा सोल्यूशन, सिचुएशन सोशल या एंटी सोशल बिहेवियर्स, चलिए भाई, सेसेशन ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर्स के लिए हम पर्टिकुलरली इसका यूज करते हैं। देखो ये एंटी सोशल जो बिहेवियर्स के लिए यूज किया जाता है इस वर्ड का, ये होता है कि सेसेशन का मतलब पहला तो होता है रोकना या पूर्ण विराम करना। जैसे मान के चलिए कहीं पर एंटी सोशल कोई कार्य हो रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो उसके दौरान भागीदारी लेना मतलब उसको रोकना, दैट्स मीन टू से डेसिस्ट करना, उसके खिलाफ जाना, उसको शांत करना, दैट्स मीन टू। और डेलक्वेस हो गया बिकम लिक्विड, टिपिकली ड्यूरिंग डीकम्पोजिंग, किसी भी चीज को हम डीकम्पोज जब करते हैं तो उसका कौन सा भाग निकल करके आता है, डेलक्वेस का भाग निकल करके आता है, मतलब वो लिक्विड पोर्शन जिसको अपन कह सकते हैं, तो लिक्विड पार्ट बन जाता है, दैट्स मीन टू से डेलक्वेस। और डाइडेम मतलब मुकुट होता है जो सिंहासन पर बैठते समय पहनाया जाता है, दैट्स मीन टू से आपको जनरली पता, आप देखते रहते चीज। तो डेमेंसिया, डेसिस्टेंट, डेलक्वेस और डाइडेम हम पर्टिकुलरली यूज करते हैं। फटाफट से स्क्रीन शॉट लीजिए और 50 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है 50 नंबर भी आपके लिए। चलिए जी, 15 नंबर के लिए आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। स्टार्ट सॉल्विंग, किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताना मुझे। चलिए भाई, डोनाल्ड ट्रंप जी स्वागत है आपका। ओल्ड एंड इन वेरी बैड कंडीशन, ठीक ना, जो ओल्ड और वेरी बैड कंडीशन, और स्पेशली जो था इसमें कंडीशन और ची, मैं आपको बता दूं छोटी सी एक कंडीशन और बता देता हूं, स्पेशली यूज किया जाता है किसके लिए बता दूं आपको थोड़ा सा, मशीनरी और फर्नीचर। तो किसकी बुरी कंडीशन, बहुत बुरी कंडीशन किसकी बताई गई थी, मशीनरी और फर्नीचर के लिए स्पेशली बोला जा रहा है। हाँ तो बस उसी के लिए देख लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए आपके आंसर्स आ रहे हैं ज्यादातर ए, ओके भाई ए ऑप्शन आप ज्यादातर बता रहे हैं, ओके फाइन। चलिए डेफिनेटली आपका आंसर हो जाएगा ए, डिलैपिडेटेड। डिलैपिडेटेड के लिए हमने पढ़ा था कि डिलैपिडेटेड जो होता है उसका मतलब हो जाता है, एक पिक्चर भी आपको बताई थी, एक मकान जो जीर्ण शीर्ण टूटा बिखरा हुआ सा मकान था, बहुत पुराना सा। तो किसी भी चीज की बहुत पुरानी सी कंडीशन हो जाती है, जैसे मान के चलिए आपके पास में कोई साइकिल है और वो पुरानी हो गई है, टूट फूट गई है, घर पे कोई बाइक है जो टूट फूट गई है, कोई भी ऐसा सामान स्पेशली फर्नीचर का हो, बेड हो, कोई टेबल हो, कुछ भी मकान हो, जीर्ण शीर्ण हो गया, तो उन सब के लिए हम पर्टिकुलरली यूज करते हैं डिलैपिडेटेड। क्या बोलते हैं, डिलैपिडेटेड। डिलटॉरी,
देखो अगला वर्ड है दिलटोरी। दिलटोरी का मतलब होता है मध्यम, मध्यम का मतलब होता है नॉट एक्ट, नॉट एक्ट क्विकली, ठीक ना। जो नॉट एक्ट करता है कैसे करता है, डू नॉट एक्ट या डज नॉट एक्ट क्विकली, जो जल्दी जल्दी से कार्य नहीं करता, मध्यम या धीमा भी आप इसको बोल सकते हो, धीमा बिल्कुल स्लो, ठीक ना। टूटले की तरह जो काम करता है उसके लिए अपन बोल सकते हैं। तो आपने बोला था दिल क्या तोड़ी, वो तो धीमा पड़ गया, काम करने का स्पेस उसका तो क्या हो गया, धीमा पड़ गया। हाँ एग्जैक्टली, दिल तोड़ी की धीमा हो गया, बिल्कुल सही कहा दिव्या, एग्जैक्टली। और डायस्पोरा का मतलब हो जाता है आपका प्रवासी, आप इसको बोल सकते हो, डायस्पोरा का मतलब प्रवासी हो गया। एंड डिफ्यूज का मतलब होता है फैला देना। चलो भाई ठीक है ना, तो आपका आंसर डिलैपिडेटेड डेफिनेटली आपने पढ़ लिया, डिलैपिडेटेड, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके लिए रेडी है। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा है, फटाफट से जवाब दीजिए, बहुत जल्दी से हम इसको भी सोल्व करने वाले हैं। स्टेट ऑफ मेंटल वियरिनेस फ्रॉम लुक ऑफ ऑक्यूपेशन, नहीं, इसमें एक छोटी सी कंडीशन थी, फ्रॉम लैक ऑफ, ठीक है ना, फ्रॉम इट्स नॉट लुक इट्स लैक, कोई बात नहीं, छोटा सा टाइपिंग का मिस्टेक है, दोबारा बता देता हूं मैं इसको आपको। चलिए जी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करिए आराम से ना, ठीक है। तो अस लैक ऑफ मेंटल वेयरिनेस फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्यूपेशन, आपको पता हो तो इसमें एक पिक्चर बताई थी कि एक व्यक्ति बैठे हुए थे सिर के हाथ लगा करके, और विरक्ति आप जिसको कह सकते हो, बहुत बुरी स्थिति, ठीक है ना, व्यक्ति विशेष की बेरोजगार होने के टाइम पर, उसके लिए पर्टिकुलर बहुत ही प्यारा सा वर्ड यूज किया जाता है। चलिए अब देख लीजिए आप क्या कहने वाले हैं, इसमें बहुत प्यारे प्यारे वर्ड है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ओके फाइन। चलिए सी ऑप्शन डेफिनेटली आप सबका सही है, विरक्ति जिसको अपन कह सकते हैं, नॉय। चलो अनूल का मतलब आप कल भी पढ़ रहे थे कि क्या कर देना, रद्द करना, ठीक ना, किसको, एग्रीमेंट को रद्द करना, किसी ट्रीटी को रद्द कर देना, किसी डिसीजन को या किसी रिजल्ट को भी रद्द कर देने के लिए हम अनूल का यूज करते हैं। अनल्स का मतलब हमने पढ़ा था हिस्ट्री, तो हिस्ट्री जो होती है किसी भी सब्जेक्ट की हो सकती है, किसी देश की भी हो सकती है, दैट्स मीन टू से। इनोई का मतलब विरक्ति होती है। एंसकंस आपको पढ़ा था, एंसकंस का मतलब होता है स्थापित करना, टू सिक्योर वन सेल्फ, टू सिक्योर वन सेल्फ करना, ठीक है ना। तो मैंने कहा टू सिक्योर वन सेल्फ, अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि स्थापित करना मतलब, स्थापित करना को आप ऐसे समझ लीजिए, अपना फ्यूचर स्थापित कर लेना। अब मेरी बात सुनना, अंश कंस को आपको याद करवाया था कि अंश ने, अंश कौन था, कंस का बड़ा भाई, अंश ने कंस को स्थापित किया, याद आया, भूल गए थे ना, अब याद आ गया शायद, अब नहीं भूलोगे आप, पक्का कंफर्म बता रहा हूं, आज हमने दोबारा रिपीट करें, अंश ने कंस को स्थापित किया, अब आपको डेफिनेटली याद आ गया होगा, एग्जैक्टली यही हुआ। हाँ एग्जैक्टली, स्टैब्लिश के लिए हम इसका यूज करते हैं। चले ठीक है ना, अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, जल्दी से इसमें स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अगले वर्ड पर आ जाऊं। अगला वर्ड पढ़े उसके पहले एक छोटा सा मोटिवेशन आपके लिए जरूरी है, उसके बाद में जोश लाएंगे और जोश के बाद में फिर अपन अगले क्वेश्चन पर अटैक करेंगे। तो जल्दी से रेडी हो जाओ, आपका बहुत प्यारा सा छोटा सा क्योट है, आपके कर्म ही आपकी पहचान है। कहते हैं कि आपके कर्म मतलब आपके कार्य, आपके मूवमेंट, आपका मोशन, आपकी हलचल, आप जो कदम उठाते हैं, आप जो स्टडी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, वो ही आपकी क्या है, पहचान बने बनाएगा आपका। वरना एक नाम के हजारों इंसान है, आप ही के नाम के, मेरे नाम के इंसान तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके जो कर्म है, आपके जो आपके द्वारा किए गए मूवमेंट है, आपके द्वारा किए गए एक्शन है, वो ही आपकी क्या बनाते हैं, आइडेंटिटी बनाते हैं, आपकी पहचान बनाते हैं, समाज के बीच में, लोगों के बीच में, देश के बीच में, पूरी दुनिया के सामने आपकी पहचान बनाते हैं। तो बस कर्म को हमेशा पॉजिटिव रखिए और हमेशा सपोर्टिव रहिए, लोगों की सहायता करते रहिए, कभी आपकी वजह से किसी का दिल ना टूटे, कभी किसी आपकी वजह से कोई रोए ना, कोई दुखी ना हो, हमेशा कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पढ़ना भी हमारा साथ साथ जरूरी है और साथ साथ हमें सबके साथ में मिलकर के चलना है, मतलब हमें एक बॉन्डिंग भी रखना जरूरी है। तो वो बॉन्डिंग ऐसी होनी चाहिए कि किसी को हमारी वजह से दुखी ना होना पड़े। आ जाओ जी रेडी हो जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत प्यारा सा मस्त सा जखास सा क्वेश्चन आपके लिए आ गया, रेडी है, आ जाओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब दीजिएगा। Your time start now. The branch of theology that is concerned with such final things as death and judgment. Theology का, भगवान का जो अध्ययन होता है, religion का जो अध्ययन होता है, जिसके अंदर death and judgment के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, वो epistemology वापस से आ गया, epistemology, ontology, वो ontology था, ये oncology है, cytology and eschatology, जल्दी से बताओ क्या आंसर कर रहे हो,
एग्जैक्टली भाई, जल्दी करिए, बहुत बहुत जल्दी। देखो मेरे भाई, ऑनोलॉजी और ऑन्कोलॉजी में अंतर है। ऑनोलॉजी आपने जो जनरली पढ़ा था, ठीक है, मैं आपके आंसर ले पा रहा हूं। एग्जैक्टली जो ज्यादातर बच्चे ए बता रहे हैं वो सारे के सारे सही है भाई, ए डेफिनेटली नहीं है। एस्केटोलॉजी का मतलब ये हो जाता है कि जो किसका अध्ययन करता है, स्पेशली जो डेथ से रिलेटेड अध्ययन करता है कि कैसे कोई व्यक्ति मरता है और मरने के बाद के आगे की यात्रा जो है उसकी, वो कैसे क्या रहती है, कितने समुद्र पार जाना उसको होता है ना। तो मरने के बाद का जो अध्ययन और जजमेंट जो करता है उसके लिए बोल दिया कि ब्रांच ऑफ थियोलॉजी, थियोलॉजी की ब्रांच ये है। और थियोलॉजी किसकी ब्रांच में आई थी आपको पता होगा, थियोलॉजी एक्सियोलॉजी की ब्रांच में आया था। नहीं, एक्सियोलॉजी की ब्रांच में तीन ब्रांचें थी, एक तो एस्थेटिक्स था, एक आपका आपको बताया गया था मैंने एस्थेटिक्स था, एस्थेटिक्स के बाद में लॉजिक्स था, ठीक है ना, तर्कशास्त्र जिसको हमने बोल दिया था जनरली, यू नो व्हाट, चलिए पर्टिकुलरली, ओके फाइन, चलिए। तो दैट इज कंसर्नेड विद सच फाइनल थिंग्स एट डेथ एंड जजमेंट, तो एस्केटोलॉजी, तो मैंने आपको याद करवाया था इसके तो याद करवाया था आपको। एस्पिटेमोलॉजी का मतलब हो जाता है ज्ञान मीमांसा, ज्ञान प्राप्ति का जो अध्ययन जहां पर किया जाता है। ऑनको का मतलब हो जाता है कैंसर भाई, और लॉजी का मतलब आप जानते हो अध्ययन होता है, और कैंसर का जो अध्ययन करता है तो स्टडी ऑफ कैंसर जिसको। साइटो का मतलब आप कह सकते हो कोशिका, जिसको अपन कह सकते हैं स्टडी ऑफ साइटो, मतलब कोशिकाओं का जो अध्ययन होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, साइटोलॉजी, कोशिकाओं का अध्ययन, ठीक है ना। चलिए तो लॉजी से आप सभी समझते हो, ये आपके आंसर हो गया इसके तो, एस्केटोलॉजी दैट्स मीन टू से पर्टिकुलरली, ओके। अगले क्वेश्चन पर अटैक कीजिए, जबरदस्त वर्ड है ये भी। चलिए 18 नंबर, बहुत प्यारा वर्ड है, आपको पिक्चराइजेशन के साथ में पढ़ाया गया था। योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। चलिए डी बता रहे हैं 18 में, ऑनियो ऑइनोलॉजी बियर से रिलेटेड, ऑन्कोलॉजी कैंसर, वेरी गुड वेरी गुड, दैट वॉज ऑन्टोलॉजी, एग्जैक्टली ऑन्टोलॉजी दैट वॉज सेम। चलिए डी, एग्जैक्टली जो लोग डी बता रहे दे आर एब्सोल्युटली राइट। यूजेनिक्स जो होता है, यूजेनिक्स का मतलब होता है ह्यूमन रेस का जो अध्ययन होता है उसी के बारे में बोलते हैं, ह्यूमन रेस, मानव की जो प्रजाति का अध्ययन किया जाता है उसको हम यूजेनिक्स के नाम से बोल सकते हैं। यूफ्रेसी का मतलब आपको पता होगा, एक प्राचीन काल में एक ऐसा पौधा था जो आंखों की बीमारी में काम में लिया जाता था, तो आंखों की बीमारी में काम में आने वाला प्लांट, समझ रहे हो, प्लांट हम उसको बोल सकते हैं प्लांट, यूफ्रेसी के नाम से हो गया। इविक्ट का मतलब था बेदखल करना, और मैंने बताया था कि इविक्ट कहां से बनता है, इविक्शन से बनता है, और दिमाग में फिट कर लीजिए इविक्शन क्या होता है, इविक्ट से इविक्शन बनता है। इटियो लेट आपको याद करवाया था, इत्तो लेट पानी डालियो, इत्तो लेट, इत्तो लेट, ये स्पेशली मैकपेल और सिकली किसके लिए यूज किया जाता है, किसी एक प्लांट के लिए यूज किया जाता है कि किसी प्लांट का मुरझा जाना, फैड हो जाना, विदर हो जाना किसी प्लांट का, तो इत्तो लेट पानी दिया इसलिए क्या हो गया, मुरझा गया, मुरझा गया, दैट्स मीन टू से, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, यूजेनिक्स, यूफ्रेसी, इविक्ट और इटोलेट, दैट्स मीन टू से, इटियोलेट, दैट्स मीन टू से, इटिलेट, है ना। तो इटियोलेट हमने इसका साउंड किया था स्पेशली नहीं याद करने के लिए, इटोलेट हमने कर दिया जिससे कि हमारा वर्ड जल्दी से याद हो सके। आ जाओ जी अगले क्वेश्चन की तरफ, आपके लिए अगला क्वेश्चन रेडी है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए चालू हो जाए सारे आंसर देने के लिए। यूफ्रेसी अभी भी है सर नेचर में, हाँ डेफिनेटली मिल जाएंगे यूफ्रेसी, बहुत होते हैं, आई ब्राइट, एग्जैक्टली यूफ्रेसी। चलिए जी, एन अर्जेंट नीड और डिमांड को हम एक्सीजेंसी बोलते हैं, एक्सीजेंसी बोलते हैं, एक्सप्रोप्रिएट बोलते हैं, एक्सिलरेट बोलते हैं, या फिर एक्सकर्सन बोलते हैं। चलिए टेल मी द आंसर, 19 में आप बता रहे हैं ए ए ए, इतो लेट पानी डाला इसलिए पीला पड़ गया, शाबाश बहुत बढ़िया, डेफिनेटली आपका आंसर जो होगा वो ए ही होगा, एक्सीजेंसी, क्योंकि एक्स को जींस पहनने की बहुत ही जल्दी क्या हो गई थी, जरूरत पड़ गई थी, और यहां पर जब्त करना,
ठीक है ना, सीज कर देना, जब्त करना। तो एक्स ने एक्स की प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया था, सीज, जब्त। सुन लो मेरी बात, एक्स की प्रॉपर्टी को जब्त किया गया। एक्स को जींस पहनने की बहुत जल्दी डिमांड थी, जरूरत थी। एक्सेलरेट का मतलब होता है खुश होना, प्रसन्नचित होना। प्रसन्नचित हम बोल सकते हैं, प्रसन्नचित होना, खुश होना, बहुत ज्यादा होना। और एक्सकर्शन के लिए आपको बता चुका हूं मैं, बहुत ही प्यारा सा वर्ड एक्सकर्शन का मतलब हो जाता है सैर सपाटा, एक छोटी सी विजिट होना, अ शॉर्ट विजिट या जर्नी, फॉर अम्यूजमेंट स्पेशली, है ना, फॉर प्लेजर। चलिए, फॉर प्लेजर स्पेशली, अ शॉर्ट विजिट या जर्नी फॉर प्लेजर। ग्रुप में जब जाते हैं स्पेशली, एक्सिलेटेड मतलब प्रसन्नचित होना। एक्स की प्रॉपर्टी को जब्त किया, एक्स जो है वो जींस के लिए बहुत जल्दी से क्या हो गया था, डिमांड करता है कि मुझे जींस पहनी है, जींस पहनी है, जींस पहनी है, मुझे तो जींस ला के ही दो, छोटे बच्चे करते ना वैसे। चलिए फटाफट से देखिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ रेडी हो जाए और जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए कि अगले क्वेश्चन का क्या होगा। योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए जी जल्दी करिए। टू टेक समबॉडी अवे इलीगली, टू टेक समबॉडी अवे इलीगली, हाँ शेर पर जाना बिल्कुल। अबेटमेंट, अबेप्ट, अब्रिज या अबडक्ट। अबडक्ट, अब्रिज, अबेप्ट, अबेटमेंट। चलिए, ओके फाइन, वेरी गुड। ओके फाइन, अब चलिए आ जाओ। ज्यादातर कैंडिडेट डी, एग्जैक्टली सारे के सारे डी बता रहे हो, तो डेफिनेटली अबडक्ट ही होगा आपका आंसर। अबेंट का, अबेटमेंट का मतलब जाता है टू लेशन समथिंग, किसी चीज में कमी कर देना, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, अबेटमेंट। अबेफ्ट का मतलब आप समझते हो पतवार की ओर, पतवार की ओर हमने पढ़ा था इसको अबेफ्ट बोलना। और एब्रिज का मतलब हो जाता है किसी राइटिंग में या किसी बुक में से कुछ राइटिंग का, कुछ रिटन भाग को क्या कर देना, हटा देना, है ना। टू शॉर्टन राइटिंग पार्ट, चलिए जी, राइटिंग पार्ट को क्या कर देना, शॉर्टन कर देना, छोटा कर देना, उसी के लिए हम यूज करते हैं। तो टू टेक समबॉडी अवे इलीगली, एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं अपहरण कर लेना, अपहरण कर लेना, किसी को किसी दूसरे स्थान पर ले जाना, दैट्स मीन टू से अबडक्ट। अबडक्टिंग के लिए उसने उसका क्या कर लिया, अपहरण कर लिया। एब्रिज मतलब होता है लिखावट में किसी चीज को कम कर देना, या जो भी चीज बुक में थी उसको हटा देना, दैट्स मीन टू से डिसर्न भी आपने पढ़ लिया इसके लिए, ठीक है ना। चलिए एफिट होना और अबेटमेंट भी आप बोल सकते हो। आ जाओ अगला वर्ड 21 नंबर, 21 पर आ जाओ और जल्दी जल्दी से फटाफट से जवाब दीजिए 21 में क्या होगा। योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए जी, स्टडी ऑफ साउंड को हम क्या बोल सकते हैं, एसर बोल सकते हैं, अकाउस्टिक्स बोलते हैं, एक्विस बोल सकते हैं, या फिर एडोरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप देखिएगा। ओके, बी बता रहे हैं, चले ठीक है, बी अकाउस्टिक्स आप बता रहे हैं। एसर्ब का मतलब तो आपको सबको पता है कि कड़वा होता है। एक्विस का मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के किसी चीज को क्या कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, अपनी सहमति दे देना। एडोरेशन का मतलब होता है भगवान की आराधना करना, भगवान की पूजा करना, ठीक है ना, आराधना करना, आराधना, सही आप देख लीजिएगा, मैं आराधना सही तो लिख रहा हूँ ना, या आराधना लिखूं, आराधना ही लिखता हूँ, देखता हूँ, मुझे बताना सही लिख रहा हूँ, आराधना, अब ठीक है ना, शायद आराधना। चलिए एडोरेशन, आराधना। एक्विस का मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट आर्ग्यूमेंट। एक्विस, एक कवि से एक्विस, आप देख लीजिएगा, अकाउस्टिक हो गया, एसब, सब, एसब मतलब कड़वा होता है, ये बना आपके, एसब जो है वो बहुत प्यारा वर्ड है, ठीक है ना, एसिड से बना हुआ वर्ड है, एसिड से ऐसा बना दिया। और अगले वर्ड की तरफ हम चल पड़े हैं, बहुत ही जबरदस्त वर्ड अगला भी, 22 नंबर, आ जाओ और सोल्व करो इसको फटाफट से। योर टाइम स्टार्ट नाउ। क्लोज कनेक्शन रिलेशनशिप, क्लोज कनेक्शन रिलेशनशिप को हम क्या बोल सकते हैं, हम एफिनिटी बोल सकते हैं, हम एजंक्ट बोल सकते हैं, हम इजिस बोल सकते हैं, एफ्लिक्शन बोल सकते हैं।
चलिए जी जवाब दीजिए फटाफट से, बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी हमारे बीच में। ओके ए ऑप्शन बता रहे हैं। ओके ओके फाइन, चलिए ज्यादातर कैंडिडेट्स ए, एग्जैक्टली ए ही होगा। एडजंक्ट का मतलब तो सहायक के रूप में हम यूज करते हैं, जो एकदम क्या होता है एक सहायक की तरह हम किसी चीज को जोड़ते हैं, शब्दों में ज्यादातर एडजंक्ट का यूज करते हैं। एजिस का मतलब होता है संरक्षण करना, देखो मेरी बात समझो, एजिस का मतलब जो अपने अंडर में किसी चीज को रखता है, दैट्स मीन टू से रक्षण करना, ठीक है ना। ई जिस का भी क्या करता है, संरक्षण करता है, ई जिस जिस का भी संरक्षण करता है। और एफ्लिक्शन के बारे में याद रखना, स्टार लगा दोगे आप इस वर्ड के, बहुत बार आ चुका है। एफ्लिक्शन का मतलब होता है पीड़ा या यातना का कारण है, का कारण है एफ्लिक्शन। अच्छा कारण आ गया क्या, सॉरी कारण जिसको अपन कह सकते हैं। तो देखो पीड़ा या यातना का कारण जो होता है ना, दर्द या पीड़ा का जो कारण होता है उसके लिए क्या बोल सकते हैं, एफ्लिक्शन बोलना, एफ्लिक्शन। तो एफिनिटी का मतलब तो हो गया रिलेशनशिप, बहुत अच्छी होना किसी के साथ में, गुड बॉन्डिंग, ठीक है ना, होना। एग्जैक्ट सहायक इजिस का मतलब संरक्षण करना, और एफ्लिक्शन का मतलब आपने बोल दिया पीड़ा दर्द या किसी की समस्या का जो रीजन बनता है उसी के लिए हम पर्टिकुलरली इस वर्ड का यूज करते हैं। अगले वर्ड पर आ जाइए, 23rd नंबर, बहुत प्यारा वर्ड है। चलिए जी 23rd भी बहुत अच्छा वर्ड है, देख लीजिएगा क्या होगा, फटाफट से जवाब दीजिए। ओके चलिए फाइनल आंसर लॉक करें, बी एल्बिनिज्म, रंगहीनता। एग्जैक्टली डेफिनेटली अगर आप बी बता रहे हैं तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि इसका अर्थ होता ही क्या है, रंगहीनता ही होता है, रंगहीनता। बता दिया आपको पिगमेंटेशन इसी के लिए बोला जाता है। कॉन्जेनिटल एब्सेंस जो होता है, जन्मजात, कॉन्जेनिटल का मतलब होता है जन्मजात, जो एब्सेंस होती है, कमी होती है पिगमेंटेशन, रंग तक, रंग की, आईज स्किन एंड हेयर। जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति विशेष की अगर मैं बात करता हूँ तो उसका फेस का कलर, हेयर का कलर और स्पेशली आईज का जो कलर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो देखो किसी की आंखें अलग ब्राउन होती है स्पेशली, तो वो पिगमेंटेशन में जाता है, वो स्पेशली एल्बिनिज्म में ही जाता है। तो किसी का क्या डिफरेंट होना, तो वो एक छोटी सी रंगहीनता की जो वीकनेस होती है, अलग अलग रंग होते हैं जिसमें लोगों में, दैट इज कॉल्ड। तो एग्रोनॉमी तो एग्रीकल्चर से बना भाई, एग्रोनॉमी एग्रो मतलब एग्रीकल्चर होता है, तो कृषि से बना, तो कृषि विज्ञान को हम क्या बोल सकते हैं, स्पेशली एग्रोनॉमी। एल्बेटिव का मतलब होता है अपादान, हिंदी में तो ये बोलते हैं, तो ये ग्रामेटिकल केस हो गया एक, ठीक है ना, तो ये ग्रामेटिकल केस ही तो हो गया, ठीक है ना। चले एल्पिनिज्म का मतलब तो आप समझते हो, एल्प का मतलब ही पर्वत होते हैं, स्टडी ऑफ माउंटेन जिसको अपन कह सकते हैं, पर्वतारोहण, क्लाइंबिंग ऑफ माउंटेन्स हम बोल सकते हैं। चलिए फटाफट से आंसर लॉक कीजिएगा, एल्बिनिज बहुत प्यारा वर्ड था। और अगले वर्ड पर चलिए, 24 पर आपका इंतजार कर रहा है क्वेश्चन, चलिए लॉक करें आंसर सभी अपने अपने। चलिए जी जल्दी कीजिए आपके आंसर्स, फटाफट से खत्म कीजिए, जल्दी करें, योर टाइम इज गोइंग टू फिनिश। आर्टिलरी, एम्बिट, आस्केंस और एस्परिटी। चलिए लेट्स सी, सबसे पहले तो लार्ज हैवी गन्स विच आर ऑफन मूव ऑन व्हील्स। तो बहुत बड़ी बड़ी जो गन्स होती है, आप तोप बोल सकते हैं जिसको, ठीक ना, तो डेफिनेटली हिंदी में आप बोलोगे तो वो गया, लेकिन इंग्लिश में हम उसको क्या बोल देंगे, आर्टिलरी जिसको बोल सकते हैं। लार्ज हैवी गन्स विच आर ऑफन मूव ऑन व्हील्स, व्हील्स पर जिनको लेके जाया जाता है, वो सारे के सारे हो गए आपकी आर्टिलरी। एम्बिट का मतलब एक सीमा होती है, एम्बिट का मतलब एक परिधि होती है, जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक परिधि को हम एम्बिट के नाम से बोलते हैं। आस्केंस का मतलब होता है संदेह से होना किसी चीज का, क्योंकि उसने आस्क किया तभी उसने संदेह से क्या किया था, आस्क किया, संदेह से आस्क किया था, उसके लिए हमने बोल दिया। और एस्पिरिटी का मतलब हमने बोल दिया चिड़चिड़ापन होना स्पेशली, तो एस्पिरिटी का मतलब ही क्या हो जाता है, चिड़चिड़ापन। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, आर्टिलरी हो गया आपका, एम्बिट हो गया, आस्केंस हो गया और एस्पिरिटी हो गया, चारों वर्ड्स आपके सामने रिपीट करेंगे तो डेफिनेटली याद करेंगे, ठीक है ना, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आंसर आ चुका है। ओके ज्यादा मत सोचो, ही ध्यान दो, अगला क्वेश्चन आपके लिए पेश है। चलिए जी अगला क्वेश्चन जवाब देंगे फटाफट से सारे के सारे, योर टाइम स्टार्ट नाउ।
ओके फाइन, आई एम गेटिंग योर आंसर. चलिए जी, कॉज टू बी कंफ्यूज इमोशनली, किसी को इमोशनली कंफ्यूज करना मतलब आकर्षित कर लेना. बिम्यूज का मतलब हो जाता है अम्यूज, तो देखो हंसाना ठिटोली होता है, हंसना ठिटोल करना, लेकिन बिम्यूज का मतलब होता है अपनी ओर आकर्षित कर लेना. तो डेफिनेटली आपका आंसर ये हो गया, जिसका दिमाग जो है वो ब्लॉक हो चुका है वो क्या कहलाएगा, मूर्ख कहलाएगा, जिसका माइंड जो है ब्लॉक हो गया वो. और यह है प्राइमरी इंपॉर्टेंस, किसी भी चीज की प्राइमरी जो इंपॉर्टेंस शो करना है तो हम इसी का यूज करते हैं. आई शो यू हाउ टू शो प्राइमरी इंपॉर्टेंस. देखो प्राइमरी इंपॉर्टेंस मतलब होता है बुनियादी ढांचा तैयार करना. प्राइमरी मतलब सबसे बेस्ट जो फाउंडेशन होता है ना, उस फाउंडेशन को हम बेसल बोल सकते हैं. बिम्यूज हो गया आकर्षित कर लेना, और बिटवीक्स होता है अंतराल, दो समय के बीच का जो अंतराल होता है, डिस्टेंसिंग होता है, डिफरेंस जो होता है टाइम के बीच का. बिटवीक्स मतलब बिटवीन, मान लीजिए आप, ठीक ना, बिटवीन भी आप इसको बोल सकते हैं. तो बिटवीक्स इज जस्ट लाइक बिटवीन, ब्लॉकहेड माइंड का ब्लॉक होना, बिम्यूज करना अपनी ओर आकर्षित, मैस्मराइज कर देना, क्या कर देना, मैस्मराइज करना, लाइक दैट हिप्नोटाइज कर देना भी आप इसके लिए बोल सकते हैं. चलिए तो फिर रेडी हो जाओ अगले क्वेश्चन के लिए. प्यारा क्वेश्चन आपका 26 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से जवाब देंगे कि क्या होने वाला है, ठीक ना, 26 नंबर क्वेश्चन. चलिए भाई आंसर लॉक करें जल्दी से. हाँ डेफिनेटली मोटी बुद्धि का बोल सकते इसको. चलिए जी टाइम और देखो, सबसे पहला वर्ड दिया आपको, सबसे पहले तो आपके आंसर लो कर देता हूँ. सी जो कि सारे के सारे लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं. मंगल का मतलब हो जाता है घपला, या भाई झमेला आप इसको बोल सकते हो. तो हमने याद किया था कि बंगले में क्या हो गया, घपला और झमेला हो गया, ठीक है ना. शायद मैं घमला लिख चुका हूँ, इसको घपला आपको लिखना है, ठीक ना, घपला. तो घपला और झमेला हो गया कहाँ पर, बंगले में घपला और झमेला हो गया. बरसर का मतलब आपको मैं बता दूँ, बहुत ही प्यारा वर्ड होता है, जनरली यूज किया जाता है बर्ड्स के लिए. लेकिन मैं आपको बुलीवार्ड बता देता हूं एक बार कि बुलीवार्ड का यूज कहां यूज कर सकते हैं. जैसे देखो किसी भी रास्ते की तरफ दोनों तरफ अगर पेड़ लगे होते हैं, किसी भी रास्ते के दोनों तरफ अगर पेड़ लगे होते हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, बुलीवार्ड के नाम से बोल सकते हैं. मतलब मुख्य मार्ग जहां पर क्या लगा होता है, पेड़ लगे होते हैं. अच्छा जी क्या बोल देंगे, मुख्य मार्ग जहां पर क्या लगे होते हैं, पेड़ लगे होते हैं. और अगर मैं बरसर की बात करता हूं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन एक बार हुआ. आई टेल यू दैट बरसर हम बोल सकते हैं, पर्टिकुलरली बहुत प्यारा वर्ड होता है, ठीक है ना. लेकिन देखो एक चीज तो है कि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आपको इसलिए रहेगा क्योंकि बुक में आपके पास जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी अलग है. तो कोषाध्यक्ष आप इसको बोल सकते हैं. तो ये कोषाध्यक्ष वैसे होते हैं, तो अ ट्रेजरर्स, ट्रेजरर ऑफ ए कॉलेज और स्कूल. ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मैंने आपको क्लियर करके बता दिया एक बार कि बर्सर जो होते हैं वो कोषाध्यक्ष को बोलते हैं, ट्रेजरर ऑफ कॉलेज और स्कूल का जो ट्रेजरर होता है कोषाध्यक्ष होता है, हम उसको क्या बोल सकते हैं, डेफिनेटली खजानवी भी बोल सकते हैं बर्सर. ब्रीवरी का मतलब हो जाता है फैक्ट्री जहां पर बियर बनाई जाती है, डेफिनेटली. और बुलीवार्ड का मतलब होता है मुख्य मार्ग, जिसको अपन कह सकते हैं, जिसके दोनों ओर, जिसके दोनों ओर क्या होते हैं, पेड़ होते हैं, दोनों ओर ट्री हो, ठीक है. चलिए हो गया बर्सर मतलब हो गया खजानवी हो गया, बंगल मतलब घपला हो गया, ब्रीवरी हो गया जहां पर बियर बनती है. चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अगले वर्ड पर आ जाइए, 26 और 27 नंबर आ जाओ. चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपके लिए रेडी है, फटाफट से आंसर दीजिएगा. बहुत प्यारा सा वर्ड है, चलिए बता दीजिए 27 में आंसर क्या होगा. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. चलिए टाइम ओवर हो चुका है, ये टाइम इज नाउ फिनिश. चलिए हो गया टाइम. बी सिंच, एग्जैक्टली आपका आंसर क्या है, सिंच. एग्जैक्टली सिंच होगा, डेफिनेटली यू आर एब्सोल्युटली राइट, सिंच. एन एक्सट्रीमली ईजी टास्क जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंच. और याद करने के लिए क्या थोड़ा था, सींचना, सींचना बहुत आसान काम है, बहुत ही आसान काम है. याद करवाने का तरीका बताया था, क्लाउट प्रभाव, किसमें, बिजनेस या पॉलिटिक्स में,
किसी का बिजनेस या पॉलिटिक्स में प्रभाव दिखाना हो तो आप क्लाउड का यूज करो। कोयर का मतलब आप जानते हो, कोकोनट हेयर जिसको अपन कह सकते हैं, नारियल जटा, ठीक ना, नारियल जटा के लिए बोल दिया। और सेलर का मतलब होता है जहां पे स्टोर रूम, आप इसको बोल सकते हो स्टोर रूम या तह कहना, ठीक ना, या तह खाना। चलिए जी, स्टोर रूम बोल दो या तहखाना बोल दो, क्योंकि तहखाने में जहां स्टोरेज किया जाता है चीजों का, हम उसी के लिए पर्टिकुलरली इसका यूज ही करते हैं। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके टेस्ट का, और इन 27 क्वेश्चन के दौरान मैंने पूरे 200 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को कवर करने की कोशिश की है। आगे भी कोशिश करूंगा कि जब आपको अगले टेस्ट के लिए अनाउंस करूंगा तो उस समय आपको कहूंगा कि 200 से 400 तक के पूरे याद कर लो, लेकिन उसके पहले आपका संडे का एक टेस्ट और हो जाएगा। अगले वीक में हम इसका एक आगे का टेस्ट रखेंगे। अब रही बात रिपीटेशन करने की, तो एक बार देख लीजिए, साथ साथ हम पूरा रिपीट कर लेते हैं जिससे कि आपका एक बार और मजबूत हो जाएगा, ठीक है ना। चले रेडी है सारे रिपीट करने के लिए, चलो आ जाओ आ जाओ। तो सबसे पहले 26 में दिया था अ फैक्ट्री वेयर बीर इज मेड, तो हमने बोल दिया ब्रीवेरी, बंगले में जगपला जपेला हो गया, बर्सर को हमने कोषाध्यक्ष बोल दिया, और बुलिवार्ड हो गया जो मुख्य मार्ग के दोनों ओर पेड़ लगाता है। चलिए अगला, कोज टू बी कंफ्यूज इमोशनली, जिसको इमोशनली कंफ्यूज कर दिया जाता है हम उसको क्या बोलते हैं, बिम्यूज के नाम से बोल सकते हैं, उसी के लिए मैस्मराइज वर्ड यूज किया था। बिटविक्स मतलब दो समय के बीच का जो अंतराल होता है उसको बिटविक्स बोल दिया, और ब्लॉक हेड मूर्ख हो गया जिसका माइंड ब्लॉक हो गया, और बैसल का मतलब होता है प्राइमरी इंपोर्टेंस जिसको हम बैसल के नाम से बोल सकते हैं। लार्ज हैवी गन्स विच आर ऑफन मूव ऑन व्हील्स, जिनको व्हील्स के ऊपर लेकर के जाया जाता है भारी भारी गन्स को आर्टिलरी बोलते हैं। एम्बिट मतलब किसी पर्टिकुलर सीमा परिधि को बोलते हैं, और आस्केंस का मतलब होता है संदेह के साथ में, आस्क किया उसने, एस्पिरिटी का मतलब होता है चिड़चिड़ापन होना भाई। चलिए 23 में दिया द कॉन्जेनिटल एब्सेंस, कॉन्जेनिटल मतलब तक जो जन्मजात कमी होती है पिगमेंटेशन रंगहीनता की इन द आईज स्किन एंड हेयर, उसको हम एल्बिनिज्म के नाम से बोलते हैं, क्योंकि एल्बेटिव जो होता है हमारा वो अपादान, ग्रामेटिकल केस हो गया आपको पता, कर्ता ने कर्म को अपा से जो भी किया। एग्रोनॉमी का मतलब कृषि विज्ञान हो जाता है, एग्रो से एग्रीकल्चर बनता है, वही एल्पिनिज्म पर्वतारोहण से हम यूज करते हैं। अगला 22 नंबर, क्लोज कलेक्शन कनेक्शन रिलेशनशिप, जो क्लोज रिलेशनशिप होती है उसके लिए किसका यूज करते हैं, एफिनिटी का यूज करते हैं, बहुत प्यारा वर्ड है। एजेंट मतलब सहायक, एजिस का मतलब संरक्षण होता है, किसी भी चीज का संरक्षण जो करता है, जैसे मान के चलिए हमारे हम किसके अंडर, पापा हमारा ध्यान रखते हैं संरक्षण, दैट्स मीन टू से हम एजिस बोल सकते हैं उनके लिए। तो एफ्लिक्शन मतलब पीड़ा यातना दर्द का कारण बनना। अगला स्टडी ऑफ साउंड का मतलब एसर मतलब कड़वा होता है, कॉस्टिक्स आपका आंसर हो जाएगा स्टडी ऑफ साउंड का। एक्विस का मतलब हो जाता है एक्सेप्ट विदा किसी, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बिना किसी लड़ाई के किसी बात को चुपचाप मान लेना, जैसे होता है ना छोटे बच्चे किसी बात को मान लेते, दैट्स मीन टू से एक्विस हो गया। एडोरेशन आराधना करना, टू टेक समबडी अवे इलीगली अबेट, तो इसका आंसर हो जाएगा एबडक्ट करना, कि किसी को अपहरण कर लेना, एबडक्ट अबेटमेंट कमी, एबडक्ट मतलब पतवार की ओर ले जाना, ठीक है ना, आफत मत कर पतवार की ओर चला जाए, अबे हो तो अब ब्रिज को क्या कर दिया, एने ब्रिज को क्या कर दिया, ब्रिज मतलब राइटिंग का जो पोर्शन था उसके लिए तैयार किया था उसमें कमी की। एन अर्जेंट नीड और डिमांड के लिए एक्सिजेंसी, एक्स को जल्दी से जल्दी नीड हो गई किसकी, जिन्स की। एक्सप्रोप्रिएट मतलब जब्त कर लेना, एक्सेलरेट का मतलब प्रसन्नचित होना, एक्सकर्सन के साथ में कहाँ गया था, छोटी जर्नी पर गया था। मैकपैल और सिकली के लिए यू आपका आंसर हो गया इटिलेट, इटिलेट का मतलब हो जाता है इतो लेट, क्या पानी दिया प्लांट ही सूख गया। यूजेनिक्स मतलब ह्यूमन रेस का अध्ययन, यूफ्रेसी आंखों की बीमारियों के लिए जो अध्ययन किया जाता है उसके लिए हम यूफ्रेसी। इविक्ट मतलब इविक्शन से बना, बेदखल कर देना। द ब्रांच ऑफ थियोलॉजी दैट इज कंसर्नेड विद सच फाइनल थिंग्स एज डेथ एंड जजमेंट, तो डेथ और जजमेंट के बारे में अध्ययन करता है एस्केटोलॉजी, क्या बोल देते हैं एस्केटोलॉजी, एस्केट तो किसका अध्ययन का जमा हो गया, डेथ और जजमेंट। एपिस्टोमोलॉजी का मतलब ज्ञान जिसको अपन कहते हैं, ऑनकोलॉजी कैंसर का अध्ययन हो गया, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन हो गया भाई, ये आज आपका क्योर था। दूसरा अस्लेक और मेंटल वियरीनेस फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्यूपेशन, अनूल अनर्स इनोई एंसकंस, तो आपका आंसर हो गया इनोई, क्योंकि अनूल का मतलब रद्द करना, अनर्स का मतलब हिस्ट्री होती है, और एंसकंस का मतलब हो जाता है सिक्योर वन सेल्फ करना। चलिए ओल्ड एंड इन वेरी बैड कंडीशन डिलैपिडेटेड, दिल तोड़ी तो मध्यम पड़ गया, दिल तोड़ते ही डायस्पोरा प्रवासी हो गया, डिफ्यूज का मतलब फैला देना होता है। बिकम लिक्विड टिपिकली ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन, जिसके लिए हमने पर्टिकुलर वर्ड यूज किया था, दैट इज डैलक्वेज, क्योंकि डायडेम मतलब मुकुट होता है, डेसिस्टेंस का मतलब होता है किसी एंटी सोशल बिहेवियर को रोकना, डेमेंशिया का मतलब होता है पागलपन होना। अगला वर्ड टू टेक अ लॉन्ग टाइम टू डू या गो समवेयर, किसी भी कार्य को करने में बहुत सारा जो काम टाइम लेता है उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, क्या डीकन, नहीं डीकन छोटा पादरी। डाडल का मतलब होता है दाव लगाने में दल, बहुत टाइम लेता है। डेब्यू का मतलब होता है प्रथम प्रवेश, और डेबनेर का मतलब होता है खुशमिजाज व्यक्ति, डेबू ने नेयर को बताया। स्टेंजा हैविंग टू लाइन्स इन वर्स, एक ऐसी पोएम जिसमें दो लाइन्स होती है, दैट इज कपलेट, कप और प्लेट के लिए उसने दो लाइन लिखी। सोनेट मतलब 14 लाइन्स के लिए, दर्जी जो है शोक गीतकार, कवि जो होते हैं समूह में रहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल,
Houses are owned by a person living it, but secured areas are owned by everyone together. Convention का मतलब सम्मेलन हो गया, group of people जहाँ पर एक जगह बैठ करके एक व्यक्ति वक्ता होता है बोलता है. Convergence मतलब अलग जगह दिशाओं से एक जगह आता है. Divergence अलग अलग दिशाओं में चला जाना. Corringendum correct से बना और condominium आपका आंसर हो गया. एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस और ऑडिसिटी शोइंग सैमलेस जिसको अपन चटस्पा बोल सकते हैं. स्किटिस का एनिमल्स का जो नर्वस और एक्साइटेबल होना. अबेस का मतलब लज्जित और शर्म होना. और पेट्रीफाइड का मतलब होता है डरना. रब पार्ट ऑफ बॉडी टू रिस्टोर वार्मथ और सेंसेशन मतलब असंडर का मतलब होता है स्पेस का जो सेपरेट पार्ट होता है स्पेस पर छोटे छोटे जो डिवाइडेड पार्ट होते हैं उनके लिए बोल दिया असंडर. चेफ का मतलब होता है रब करना. जेलिड का मतलब होता है बहुत ठंडा. निप्पी का मतलब होता है ठंडा तीक्ष्ण और फुर्तीला. निप्पी निप्पर का मतलब लड़का होता है. मैंने पूछा था आपने बताया नहीं. लेकिन अ लार्ज डीप मेटल पॉट यूज्ड फॉर कुकिंग और ओवर ऑन फायर. आग नीचे जल रही है और उसके ऊपर अपन रख करके और कोई भी चीज पका सकते हैं. दैट इज कुल्ड्रॉन. स्किलेट का मतलब हो जाता है फ्राई करने के लिए जो पैन होता है वो. बैरल का मतलब आप जानते हो वेसल होता है. और कैथली आप जानते ही जानते हो. फीडिंग ऑन अ लिविंग इन अ माइलस्टोन जो चूना पत्थर खा करके अपनी जिंदगी का क्या करता है चलता है. चलो चूना पत्थर खाने वाला उसको हम कैल्सीवरस बोलते हैं. बैक्सीवरस बेर खाने वाला. ग्रैनीवरस अनाज खाने वाला. और फ्रूजी फ्रूट खाते हैं वो. अ वुमन्स स्मॉल प्राइवेट रूम बेडरूम जिसको अपन बुडोयर के नाम से बोल सकते हैं. एन एम्बेरेसिंग मिस्टेक ड्यूरिंग लाइव और ब्रॉडकास्टिंग के दौरान होता है उसको ब्लूपर के नाम से बोलते हैं. सॉलिसिज्म मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है स्पीच और राइटिंग में. गैफे का मतलब सोशल मिस्टेक छोटी छोटी बातों पर गलतियां कर देना. सोसाइटी में किसी को कुछ भी बोल देना दैट्स मीन टू से. और ब्लेंडर मतलब स्टॉपिड मिस्टेक होती है. स्क्वीज फॉर्म ऑफ समथिंग सराउंडेड टेबल होना राउंडेड शेप होना. तो बैलेट हम बोल सकते हैं इसके लिए क्योंकि बैलेट मतलब होती है ईटी वाली नृत्य नाटिका. बैलेट मतलब प्रेम गीत और बैलेट का मतलब मत पत्र होता है. स्टडी ऑफ नेचुरल ऑफ वैल्यूज एंड वैल्यू जजमेंट के लिए हमने पढ़ा एक्सियोलॉजी. स्टोमोलॉजी मतलब होता है ज्ञान का अध्ययन होना. थियोलॉजी भगवान का और धार्मिक चीजों का अध्ययन. मेटाफिजिक्स का मतलब आप समझ गए जहां पर नेचर से परे चीजों को जाकर अध्ययन किया जाता है. ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है सत्ता का शास्त्र होना. मास ऑफ स्नो आइस का एक साथ गिरना माउंटेन से नीचे एवलेंच बोलते हैं. टॉरेंट का मतलब पानी की तेज धार को बोलते हैं हम. स्नोफॉल हल्की हल्की बर्फबारी. और फ्लड हो गया आपका. डिक्लेरेशन दैट इज मैड एंड एम्फेटिकली स्पेशली जिसके लिए हमने बोल दिया एवरमेंट न कि एसर्सन. एसर्सन कोर्ट के द्वारा दिया जाता है एक दूसरे कोर्ट छोटे कोर्ट को. कॉन्फ्यूटेशन हो जाना खंडन करना. एंड कॉन्ट्राडिक्शन आप पर्टिकुलरली बोल सकते हैं. ये आज का क्योर था आपका. और ये आज की क्लास आपकी समाप्त हुई. चलिए सबको थैंक यू वेरी मच. चलिए ओके फाइन. थैंक यू वेरी मच आप सभी को. थैंक यू वेरी मच आज सेशन में जुड़ने के लिए. काफ़ी हमने स्मार्ट वर्किंग की है इसके लिए और आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा. होप आपको मज़ा आया होगा. चलिए ठीक है सेशन को यहीं रोकते हैं. थैंक यू वेरी मच आप सभी का. रेडी रहें कल के सेशन के लिए. चलिए जय हिंद.